वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माइन आदान परिंदो कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग एवरी वन अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है मुझे जल्दी से या yes याद अप दे दो क्योंकि आज हम एक बहुत ही अवेटेड और बहुत ही डिमांडेड क्लास को करने वाले हैं गुड इवनिंग नेहा मुस्कान जारा हमजा हबीबा अनिशा हेलो एवरीबडी हाँ आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं यूट्यूब पर आई नो क्योंकि ये सीरीज एनसीआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज जहां पर मैंने आपको कंप्लीट जोलॉजी पढ़ाई थी वो बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी थी बट उस समय पर जो एनटीए का सिलेबस था उसमें केवल फ्रॉग था तो फ्रॉग में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं इसी प्लेलिस्ट का जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको फ्रॉग पढ़ाया था एक्चुअली इस चैप्टर के टू पार्ट्स पढ़ाए थे फर्स्ट पार्ट में एनिमल टिश्यू और सेकेंड पार्ट में फ्रॉग बट एन तो एन टी एन टी ए नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी और उससे बाद में इसमें कॉकरोच एड कर दिया तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर मैसेज कर रहे थे कि हमने इसी सीरीज से पूरी जोलॉजी कंप्लीट की है तो मैम ये भी पढ़ा दीजिए सो है आयाम आपकी गुरुमा आपको कॉकरोच आज टिप्स पे कराने के लिए कैसे हैं आप सब कैसी चल रही है पढ़ाई बताइए आई होप सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं डर लगना शुरू हो गया होगा क्या होगा क्या नहीं होगा टेंशन होना शुरू हो गई होगी उस टेंशन के आगे एट लगाकर अटेंशन हो जाना है जी हाँ प्लैंड वे में सिस्टमैटिक होकर पढ़ाई करते रहने हैं रिविजन्स भी एक ही जगह से करने हैं किसी भी एक टीचर को एक सीरीज को पर सब्जेक्ट या पर यूनिट या पर चैप्टर चूज करिए और उन्हीं का पढ़ाया हुआ बार 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 पढ़िए मैं यहाँ देखती रहती हूँ आप लोग आपस में ओपी लिखकर और टीचर्स के नाम पे लड़ते रहते हो सारे टीचर्स ओपी हैं सब बेस्ट हैं जिनसे भी आपको पढ़ना है जिनसे भी आपके मन के तार मिल जाए बॉन्डिंग बन जाए बस एक को चूज करिए और उन्हीं से बार 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 रिवाइज करिए ठीक है करें आज की क्लास शुरू चलिए तो मैं यहां पर आपको टिप्स पे करवा दूंगी पूरा कॉकरोच 90 परसेंट में आपको क्लास में याद भी करवा दूंगी थोड़ा सा जो बचेगा वो आप घर जाकर मतलब घर पे तो आप हैं ही उसे आप पक्का कर लेना आपको तो याद हो जाएगा कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क में दूंगी कि ये आप पॉइंट्स अलग से एक जगह नोट डाउन कर लेना या इनफैक्ट आप एक काम करो ना आप अपना एक रजिस्टर लेकर बैठ ही रहे हैं मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ और आखिरी पेज एक एक्स्ट्रा पेज ले लो जिस पर जो जो सेगमेंट्स में बोलूंगी उसे सिर्फ नोट करते जाना वो आपको हेल्प करेगा लास्ट के वन वीक में रिविजन करने के लिए देखो इसे हल्के में मत ले लेना कॉकरोच को कॉकरोच से ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट हर साल कॉकरोच से क्वेश्चन आया नी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में भी इससे एक क्वेश्चन आया है और हमारे लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो तैयार है मेरे नादान परिंदो मेरे साथ कॉकरोच पढ़ने के लिए आइए आप जानते हैं कि हम जीवन में आशीर्वाद को बहुत बड़ा मानते हैं ब्लेसिंग को बहुत बड़ा मानते हैं दुआओं को बहुत बड़ा मानते हैं बिना आशीर्वाद के जीवन में कुछ नहीं होता तो अपनी बायोलॉजी माता का आशीर्वाद लेते हैं बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो पढ़े करें शुरू चलिए अब सबसे पहले कॉकरोच के बारे में कुछ जनरल बातें देखो कॉकरोच अगर कोई पूछे पहले तो कॉकरोच का आधार कार्ड बनाते हैं चलो कॉकरोच का आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं आईडी कार्ड आजकल सब जगह आईडी कार्ड जरूरी है नीट के फॉर्म में भी जरूरी है बताइए सबसे पहले इसका किंगडम क्या हो जाएगा एनिमेलिया तो मैं लिख नहीं रही हूँ फाइलम क्या होगा बताओ अभी तो मेरे बच्चे तो चैंपियंस हो चुके हैं आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड लेग्स आ जाएंगे ओके क्लास क्या होगी क्लास छह पैर वाला थ्री पेयर यानी इंसेक्टा इंसेक्टा का दूसरा नाम क्या होता है आप लोग पूरा एनिमल किंगडम भी पढ़ चुके हैं सिक्स पैर हैं तो हेक्सापोडा अब हम जो स्पीशीज पढ़ने वाले हैं जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है उसका नाम है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना तो पेरी प्लेनेटा मेरी काना अब काना बहुत ध्यान से समझिएगा जैसे कि आधार कार्ड में हमारी फोटो चिपकी रहती है आइए हम कॉकरोच की फोटो देखते हैं कॉकरोच की फोटो मतलब सबसे पहले कॉकरोच का कलर देखते हैं अब यहां पर बहुत ध्यान से सुन नॉर्मली आपने अपने घरों में सबने यार कभी ना कभी कॉकरोच देखा होगा सिंक के आसपास किचन के सिंक के बाथरूम के सिंक के आसपास कॉकरोच देखा होगा तो कॉकरोच कौन से कलर का दिखता है जनरली ब्राउन कलर का होता है एक काला वाला कॉकरोच भी होता है ब्राउन या ब्लैक इसमें तो कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है लेकिन कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में ट्रॉपिक्स इक्वेटर के पास बड़े सुंदर सुंदर बड़े रंग बिरंगे कॉकरोच भी मिलते हैं आप ऐसा मत सोचो कॉकरोच केवल काला सा ब्राउन सा है सो so, कुछ ट्रॉपिकल रीजन में अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारा जनरली मिस हो जाता है कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में रंग बिरंगे कॉकरोच हैं। कौन से रंग बिरंगे हैं कौन कौन से कलर्स के हैं आइए आपको याद कराती हूँ एक सेकेंड में याद करा दूंगी ट्रॉपिकल को ट्रैफिक लाइट समझ लो बताओ ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सा कलर होता है ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सा कलर होता है ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सा कलर होता है रेड मतलब रुको ग्रीन मतलब जाओ और येलो मतलब अपना अपना देख लो भाई रेड ग्रीन येल्लो रेड ग्रीन येल्लो बिल्कुल वही वाले कलर जो ट्रैफिक लाइट में होते हैं उस कलर के प्यारे प्यारे से कॉकरोचेस मिलते हैं अब की फोटो खींच रहे हैं तो कॉम्प्लेक्शन कलर देख लिया अब कॉकरोच की आ, साइज देखते हैं अब ये जो मैं पढ़ा रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे गलती होने का बहुत चांस होता है एनसीआरटी में दो डेटा है ध्यान से एक है वन बाय फोर से लेकर थ्री इंच मतलब टू फाइव इंच से लेके थ्री इंच जिसको इन्होंने सेंटीमीटर में भी लिखा है पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एक इंफॉर्मेशन ये दी है जहां पर जनरल कॉकरोच की बात की एवरेज की और फिर जहां पर पर्टिकुलरली पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना की बात की है उसका साइज अलग दिया हुआ है उसका साइज कितना है आओ आपको एक ट्रिक से याद कराती हूँ जिंदगी में नहीं भूलोगे नीट के बाद भी तीन लिखा चार लिखा पांच लिखा थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव वापस से थ्री लिख दिया ये लो बहुत इजी है थ्री फोर फाइव आखिरी में थ्री लिख दिया याद हो गया सबको ठीक है चलिए अब कॉकरोच आपने जनरली घरों में कब देखा है कॉकरोच देखना रात को अपन वॉशरूम के लिए गए तो वो डब्ल्यूसी के आसपास वॉश बेसिन के सिंक के आसपास या किचन में जहां पर अपन डस्टबिन रखते हैं यानी ये रात के प्राणी हैं, दे आर नॉकटर्नल कॉकरोच क्या खाते हैं ये बात आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि कॉकरोच जो है वो फल सब्जी ये सब जो गिरा पड़ा है वो भी खा लेते हैं और कीड़े वीड़े भी खा लेते हैं यानी बिल्कुल हमारी तरह हैं शाकाहारी भी हैं मांसाहारी भी हैं यानी हर्बी बोरस भी हैं कारनी बोरस भी हैं यानी ओमनी बोरस है ओमनी बोरस क्या इतने पॉइंट्स सबको अच्छे से क्लियर हो गए मेरे साथ क्लास में याद करना है हमारी तरह है ओमनी बोरस रात के प्राणी है ठीक है मुस्कान नेहा साक्या, गौतम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको वन शॉट चाहिए तो ई टूज इंडिया जो चैनल है वहां पर मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है वहां से देख सकते हो आप ठीक है चल आगे बढ़ते हैं अब मैंने क्या कहा ये जनरली सिंक के आसपास दिखते हैं या कमोड के आसपास दिखते हैं जहां थोड़ी सी नमी रहती है थोड़ा सा गीलापन रहता है यानी ये जनरली डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं इसे वो ड्राई कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं अब आइए अपनी एनसीआरटी ओपन करिए एनसीआरटी साथ में रखिए पर जब मैं बोलूंगी तभी एनसीआरटी ओपन होगी चल एनसीआरटी में अब ये वाली लाइन मार्क करिए वो हमारे घरों में मिलते हैं तो रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम कॉकरोच निकालो फर्स्ट पैराग्राफ रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम और बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं जैसे मक्खियां फैलाती हैं ऐसे ही कॉकरोच भी फैलाते हैं तो ये दो पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में मार्क करने हैं बाकी सब हमने लिख लिया है ठीक है तो कुसुम डॉक्टर शौर्य पेज नंबर आई थिंक देखो न्यू एनसीआर में तो ये है ही नहीं इसीलिए मैं एनसीआर ही पूरी की पूरी पीडीएफ लगाकर लाई हूं ओल्ड एनसीआर में आई थिंक पेज नंबर हंड्रेड एंड पहले कॉकरोच बाहर से कैसा दिखता है वो समझेंगे और फिर अंदर से कैसा दिखता है वो समझेंगे यानी हम पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और फिर हम उसकी एनाटमी पढ़ेंगे सो so, मॉर्फोलॉजी अब Morphology में हमेशा सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी बॉडी को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है हेड ट्रंक थोरैक्स और एब्डोमेन हमारे में भी तो यही है हेड है छोटी सी नेक है थोरैक्स रीजन है जहां पे हार्ट लंग्स है और फिर एब्डोमेन है जहां पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किडनीज वो सब है बस ऐसे इसके भी बॉडी को थ्री रीजन में डिवाइड करते हैं तो कॉकरोच की बॉडी के भी थ्री रीजन हो गए बिल्कुल हमारी तरह एक इसका हेड हो जाएगा एक थोरैक्स हो जाएगा और एक एबडोम हो जाएगा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्योंकि फ्रॉग भी सिलेबस में है फ्रॉग की बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये इसके थ्री पार्ट्स हो गए अब या अगर आप लोगों को एनिमल किंगडम याद हो तो एनिमल किंगडम में जब आप सेवन कैरेक्टर्स पढ़ते हो उसमें सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म अपन पढ़ते थे यस टू पार्ट्स में हेड एंड ट्रंक वेरी गुड फ्रॉग में नेक नहीं होता टेल नहीं होती चलिए अब सेगमेंटेशन में हम कॉडेटा में इंटरनल पढ़ते थे एनेलिडा में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पढ़ते थे और कॉकरोच के अंदर यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पढ़ते थे अगर आपको याद आ रहा हो याद आ रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि इनकी बॉडी को कट करके अंदर से देखोगे तो कोई पार्टीशंस नहीं मिलेंगे पर बाहर से मिलेंगे कितने सेगमेंट्स होते हैं ध्यान से समझिए एक्चुअली एबडोम जो है बचपन में ग्यारह होते हैं पर फिर अडल्ट में दस रह जाते हैं फॉरैक्स में थ्री होते हैं बाद तक भी एंड तक भी थ्री रहते हैं और हेड में सिक्स होते हैं पर वो फ्यूज करके वन बना लेते हैं हेड जो है सर उसमें छह सेगमेंट्स होते हैं छह चेम्बर्स होते हैं जो फ्यूज होकर फिर वन बना लेते हैं फ्यूज होकर यानी एम्ब्रियो में टोटल इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी सेगमेंट्स होते हैं पर अडल्ट में केवल फोर्टीन चौदह सेगमेंट्स मिलेंगे हेड का वन सेगमेंट हो जाएगा एक्स के थ्री सेगमेंट हो जाएंगे और एबडोम का टेन सेगमेंट हो जाए आप पूरी डिटेल नहीं भी याद रखोगे चलेगा आपको ये आना चाहिए कि हेड वाला सिक्स फ्यूज होके वन बनाते हैं ये एनसीआरटी की लाइन है अब ध्यान से समझो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है आर्थ्रोपोडा में आपने एनिमल किंगडम में कैरेक्टर पढ़ा था कि उसकी जो बाहर का स्केलेटन है ढांचा है एक्जो स्केलेटन. वो काइटिन का बना है काइटिन यानी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमी नाग जिसको बोलते हैं उसकी यूनिट्स ने मिलकर बनाया ये वही काइटिन है जो फंजाई की सेलबॉल में भी मिलता है और इस काइटिन के कारण इतना हार्ड सरफेस होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा कहते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ ईश्वर नहीं करे कभी हो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ न्यूक्लियर वॉर होगा उसमें सारी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी हम तो सब बहुत जल्दी निपट जाएंगे पर कॉकरोच सर्वाइव करेंगे और कॉक्रोच राज्य करेंगे यानी कि जबरदस्त एक्सट्रीमली हार्ड एक्सोस्केलेटन है काइटिन का बना हुआ तो इसमें है बहुत जबरदस्त हार्ट और आप जानते हो एक बार क्वेश्चन आया था इसीलिए मैं लिख देती हूं ये नाग यूनिट से मिलकर बनता है एसिटाइल ग्लूकोज अब एक बात समझो जैसे सपोज करो एक कॉकरोच है उसके ऊपर कवच है काइटिन का ऐसा पूरा एक सा नहीं होता वो ऐसे ऐसे हर सेगमेंट जो है ऐसा समझो जैसे मान लो ये एक सेगमेंट है ठीक है थोरैक्स की थ्री सेगमेंट है सपोज ये फर्स्ट सेगमेंट है तो इसपे काइटन की प्लेट्स लगी हुई है कैसे प्लेट्स लगी हैं एक ऊपर प्लेट है एक नीचे प्लेट है और दो साइड में कॉकरोच बेचारा लेटा हुआ है ना तो एक ऊपर है एक नीचे है और दो साइड में है अब मैंने आप लोगों को अगर आपने मुझसे ज़ुलॉजी पढ़ी है या जहां भी पढ़ी होगी आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा कि जब हम खड़े होते हैं तो ये वेंट्रल है एंटीरियर फ्रंट को वेंट्रल बोलते हैं पीछे पोस्टीरियर को डॉर्सल बोलते हैं और ये लेटरल होता है हम दो पैरों पे खड़े रहने वाले हैं अगर हम लेट जाएंगे यानी जो रेंग कर चलेंगे तो ये जो वेंट्रल है एंटीरियर ये लोअर हो जाता है और डॉर्सल जो पोस्टीरियर है वो तो अपर हो जाता है यानी एक ऊपर अपर डोर्सल प्लेट होगी काइटिन की एक नीचे वेंट्रल प्लेट होगी और दो साइड में प्लेट्स होंगी इन प्लेट्स को कॉमन नेम देते हैं स्क्लेड्स क्या नाम देते हैं स्क्लेड्स तो इसमें हार्ड टाइटिन की प्लेट्स मिलती हैं प्लेट्स उन्हें बोलते हैं स्क्लेट्स कॉमन वर्ड क्या है स्क्लेरिट्स स्क्लेरिट्स जैसे सपोज करो एक सेगमेंट में ये एक स्क्लेरिट है ये दूसरी स्क्लेरिट है और ये लेटरल टू स्क्लेट्स अपर वाली को ये हो गई और नीचे वाला वेंट्रल होता है ये पंडा हर जगह होता है चाहे अर्थवर्म हो कॉकरोच हो कुछ भी हो ये लेटरल हो गया तो इन सबको स्क्लेरेट्स कहते हैं पर उसमें भी पर्टिकुलरली नामकरण कर दिया इसे बोलते हैं टर्गाइट इसे कहते हैं स्टर्नाइट और इसे कहते हैं प्लूराइट मैं कैसे याद कराती हूँ बहुत आसान है आप जिंदगी में नहीं भूलोगे बहुत 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 आसान है टैगोर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल ये देखो टैगोर पब्लिक स्कूल टैगोर पब्लिक स्कूल सबसे ऊपर वाला ऊपर है डॉसल वाली टर्गाइड साइड वाली प्लोराइट और नीचे वाली स्टर्नाइट और वैसे भी बहुत ईजी है माइडी नादान परिंदो नीचे वाली हमारे फ्रंट में स्टर्नम बोन होती है और फ्रंट वाला ही तो वेंट्रल होता है तो इनके भी वेंट्रल में स्टर्नम यानी स्टर्नाइट है क्लियर जी आर स्प्रिंग थैंक यू आदि थैंक यू आप लोगों को सब समझ में आ रहा है आई एम सो हैप्पी अब एक बात इमेजिन करो मैं कह रही हूं ये जबरदस्त हार्ड काइटिन की प्लेट्स हैं अगर ये पूरी आपस में चिपक जाए फिक्स ये तो बेचारा मूव ही नहीं कर पाएगा अंदर की बॉडी तो मूव ही नहीं कर पाएगी तो ये आपस में पूरी तरह फ्यूज नहीं है जैसे हमारी हड्डियां जो हैं वो भी डायरेक्ट फ्यूज थोड़ी होती है उनमें भी लिगामेंट्स होते हैं तो इसी तरह से इन्हें आपस में जॉइन करती है फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ये जॉइन करती है और जॉइंट के लिए आर्थ्रो वर्ड यूज करते हैं जैसे गठिया बाय जोड़ों का जो बीमारी है उसे आर्थराइटिस कहते हैं तो इसी तरह ये एक जॉइंट करने वाली मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और नेचुरली ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए नेचुरली लॉजिकली ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है इतना क्लियर हो गया सबको आर्टिकुलर हाँ आर्टिकुलर आर्टिकुलर, आर्टिकुलर क्योंकि ज्वाइन कर रहा है इसीलिए आर्टिकुलर और नाम पर्टिकुलरली हो गया आर्थ्रोडियल जल्दी से बना लो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं स्क्लेराइड वर्ड इंपॉर्टेंट है हार्ड प्लेट्स हैं डॉर्सल वेंट्रल ज्वाइंट बाय अफकोर्स ये पतली भी होगी थिन एंड फ्लेक्सिबल इसे थिक कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा रिजिड कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा ठीक है चलिए डेंगू और चिकन गुनिया आ, हेमा काफी स्टूडेंट्स मुझसे ही बोल रहे हैं मैं कंपटीशन वाला पर जो उम्मीद सीरीज चल रही है उसमें ट्वेल्थ जुलॉजी मैं लेने वाली हूँ वो थर्ड अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा उसमें जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगी डेंगू और चिकन गुनिया मैं वहां पर कवर करवा दूंगी ठीक है वहां से पढ़ लेना आप चलिए आगे बढ़े हम तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया अब आओ हम एक मेजरली डायग्राम बनाकर पहले देखते हैं तो सबसे पहले हम हेड बनाते हैं आइए बनाइएगा मेरे साथ सपोज करो ये हेड है हेड। हेड में क्या क्या होगा हेड की कुछ बातें लिखते हैं अपन चलो साइड में लिख लेते हैं हेड के बारे में भाई हेड कैसा दिख रहा है शेप कैसा दिख रहा है रटने की कोई जरूरत नहीं है दिख ही रहा है ट्राइंगल की तरह यानी ट्राइंगर ट्राइंगर और हेड आगे होगा कि पीछे अरे यार पूरी हेड तो सबका ही आगे ही होता है ताकि अपन सेंसरी ऑर्गन उस पर रहे और खाना वाना ढूंढ पाए अपना बचाव कर पाए तो हेड तो हमेशा एंटीरियर होगा एंटीरियर और हेड बना कैसे है फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स अभी अभी बताया था ये आपको सिक्स सेगमेंट्स अब इसका हेड कैसा होता है कॉकरोच आप सबने देखा होगा सपोज करो ये कॉकरोच का बॉडी है यानी और है तो हेड सीधा नहीं होता ये हेड है मान लो हेड ऐसे रहता है नाइनटी डिग्री पर कॉकरोच को कभी भी देखना अभी बनाना मत आप कॉकरोच हमेशा ऐसा दिखेगा आपको ऐसा तो हेड 90 डिग्री पर रहता है इसे बोलते हैं हेड एनसीआरटी में लिखा है क्लियरली इट इज एट नाइनटी डिग्री यानी राइट एंगल्स टू Axis of body. Axis of body. मुझे सिर्फ एनसीआर की लाइन यूयू यू करके नहीं पढ़ाना मुझे आपको क्लास में याद करवाना है ये मेरा टारगेट है चलिए अब हमारे हेड पे क्या क्या मिलता है हमारे हेड पे आंख मिलती है नाक मिलती है मुंह मिलते हैं कान यानी सारे सेंस ऑर्गन मिलते हैं ठीक इसी तरह इसके हेड पर भी इस तरह से दो एंटीना मिलते हैं ये तो सबने देखे होंगे कॉकरोच का वो लंबे से जब भी कॉकरोच के पास जाते हैं छोटे बच्चे उसको टच करते और कॉकरोच एकदम भाग जाता है ये क्या है जी हां ये है एंटीना एंटीना बहुवचन हो जाएगा एंटीने कितने हैं ये दिख रहे हैं एक जोड़ी यानी दो लंबे से हैं सेगमेंटेड हैं धागे जैसे हैं सेंसरी है एनवायरमेंट को मॉनिटर करेंगे सेंसरी एक्चुअली पता है इसकी नाक का, का काम करते हैं ये सूंघते हैं और ये टच कर सकते हैं तो आगे अगर कोई शिकार है शिकारी है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे ही टच करते हो इसको समझ जाता है खतरा है ये भाग जाता है खाने को सूंघते भी इसी से हैं ये चलिए इसके बाद इसकी आंखें बनाते हैं अब इसमें एक जोड़ी सिंपल आई होती है सिंपल आई ओसिली भी बोलते हैं इसको सिंपल आई लेकिन जो मेन है जहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं जी हा एक जोड़ी कंपाउंड आई है कंपाउंड का मतलब ही होता है कोई चीज बहुत सारी यूनिट से मिलकर बने तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं तो ये हो गई इसकी कंपाउंड आई कितनी कंपाउंड आईज दिख रही हैं अगेन टू एक जोड़ी और ये सर पे कहां होगी सोचो यार आंख तो फ्रंट की तरफ होती है ना तो आंख तो ऊपर होनी चाहिए तभी तो देखेगा अगर आंख नीचे हो गई दब गई वैसे ही ये खुद ही 90 डिग्री पर है और आंख भी नीचे हो गई तो देखेगा कैसे तो एनसीआरटी की लाइन है कि ये डॉर्सल है डॉर्सली प्लेस्ड है और हर आंख के अंदर 2000 हजार हेग्जागोनल यूनिट्स होती है टू थाउजेंड हेग्जागोनल यूनिट्स जिन्हें ओमा टीडिया कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चंस बनते हैं 2000 थाउजेंडा गोनल ओमा टीडिया अभी क्या करते हैं ध्यान से समझो देखो हमारे अंदर क्या होता है जैसे सपोज अभी आप मुझे देख रहे हैं अगर आप मेरे सामने भी होगे तो आप अगर मुझसे बात कर रहे हो फेस टू फेस तो आप मेरा फेस देख रहे हो थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट्स दिख रहे हैं पर मेरे पैर की उंगली में हिला रही हूं या नहीं वो आप नहीं बता सकते हम इस तरह से देखते हैं कॉकरोच के अंदर क्या होता है ये सारी यूनिट्स अलग अलग देखती है तो अगर मेरे सामने कॉकरोच बैठा है उसकी एक ओमाटीडिया मेरी आंख देख रही है एक ओमाटीडिया मेरे हाथ पे नजर रखे हुए एक ओमाटीडिया मेरे पैर पे नजर रखे हुए यानी एक बार में सेवरल इमेजेस बन रही है उसके ब्रेन में इसे मोजाइक बिट्स एंड पीसेस टुकड़े टुकड़े मोजाइक विजन कहते हैं और यही कारण है कि जबरदस्त सेंसिटिविटी है संवेदनशीलता है शिकार ने या शिकारी ने हल्की सी भी हरकत की तो कॉकरोच को पता चल जाएगा इतना सेंसिटिव है जैसे बोलते हैं ना कोई बहुत सेंसिटिव है बात बात पे रो पड़ता है ऐसी कॉकरोच को हल्की सी मूवमेंट भी समझ आ जाती है तो वेरी वेरी सेंसिटिव पर हाँ बहुत क्लियर इमेज नहीं बनती थोड़ी धुंधली सी होती है यानी इसमें मोजाइक इमेज बनेगी जिसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है रटना नहीं है सेंसिटिविटी मोर है पर इतनी क्लियर नहीं बनती यानी रेजोल्यूशन लो है ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के विजन को रात का विजन बोलते हैं जैसा रात्रि विजन है नॉकटर्नल विजन तो याद रहेगा भूलोगे तो नहीं 2000 थाउजेंड यूनिट्स हैं सेवरल इमेजेस बन रही हैं यानी मोजाइक विजन है हल्की सी मूवमेंट को भी सेंस कर लेगा यानी सेंसिटिव है पर ज्यादा क्लियर इमेज नहीं बनती है यानी रेजोल्यूशन लो है ठीक है तो हेड के अंदर क्या क्या हो गया हेड के अंदर वन पेयर एंटीना हो गए वन पेयर सिंपल आई वो मैं लिख नहीं रही हूं और वन पेयर कंपाउंड आईज हो गई और क्या है हमारे पास कान यहां पर नहीं है इनके और माउथ पार्ट्स जैसे हमारा अपर लिप लोअर लिप टीथ मैंडेबल मैक्सिला अपर जॉ लोअर जॉ ये सब कुछ यानी माउथ पार्ट्स। ये भी हेड पे ही होंगे नेचुरली माउथ ठीक है चलिए तो अब थोड़ी सी बात हम कॉकरोच जी के माउथ पार्ट्स की कर लेते हैं इस पे भी कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं माउथ पार्ट्स। सबसे पहले तो इंसेक्टा के अंदर

बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं काट सकता है और चबा सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्या-क्या है आओ समझते हैं सबसे पहले हमारी तरह एक अपर लिप होगा सपोज करो ये अपर लिप है हमारी तरह है। हमारी तरह एक लोअर लिप होगा सपोज करो ये लोअर लिप है हमारी तरह दो और दो अब इसमें हमारे में तो मैंडेबल इसको बोलते हैं एक पूरा सिंगल जॉ होता है लोअर जॉ सिंगल बोन होती है आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा होगा और मैक्सिला अपर जॉ दो होते हैं पर इसके में दोनों ही वन वन पेयर होते हैं तो ये सपोज ऊपर मैंडेबल है और इधर सपोज करो ये मैक्सिला है उल्टा लिखा हुआ है ठीक है तो ये है हमारी तरह अपर लिप ये है हमारी तरह लोअर लिप ये है हमारी तरह मैक्सिला दो है तो मैक्सिले लिख देंगे और मैंडिबल भी दो है हमारे में एक होती है सिंगल इनके में दो ही काउंट होते हैं अपर लिप लोअर लिप मैंडिबल मैक्सिला मैंने सब मुंह खुला हुआ बनाया तो यहां बीच में टंग दिखेगी इसे बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स टंग जैसा स्ट्रक्चर हाइपोफेरिंग्स ये टंग के बराबर है इसके, एक मीडियन फ्लेक्सिबल सा लोब होता है ठीक है अब अपर लिप और लोअर लिप के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको बोलते हैं लैबरम और इसको बोलते हैं लेबियम मैं भी बड़ा कंफ्यूज होती थी स्टूडेंट जब मैंने नीट दिया था मुझे अभी भी याद है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम नाम है तो मेरे पास कोई बहुत अच्छी ट्रिक तो ज्यादा नहीं है पर हां मैं जिस तरह से याद करती थी मैं आपको बता देती हूँ देखो एल ए बी एल ए बी तो कॉमन है यू एम यूएम कॉमन है आई और आर का डिफरेंस है स्पेलिंग में देखो आई और आर का डिफरेंस है लैबरम लैबियम बाकी सब कुछ सेम है तो मैं इसी से कंपेयर कर देती हूँ अपर और लोअर आई के पास यू नहीं आता एल आता है और आर के पास एल नहीं आता यू आता है यानी यू और एल दो ऑप्शन है यू के पास आर आता है और इसके पास आई आता है तो ये लेबियम हो गया ये लैप हो गया मैं ऐसे ऐसे याद करती थी कैसे भी याद कर लो ठीक है यस, लेबियम को सेकेंड मैक्सिला भी बोलते हैं अभी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे अपन एनसीआरटी पे स्टिक करेंगे अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा याने दो मैक्सिला दो मैंडेबल एक अपर लिप एक लोअर लिप एक टंग अब ग्राइंडिंग का पीसने पीसने का काम कोर्स मैंडेबल ही करेगी क्योंकि इसमें टीथ नहीं है ग्राइंडिंग एंड इंसिशन दांत नहीं है इसके इसका एक और ग्राइंडिंग के लिए स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी एबडोम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होगा प्लस यहां पर मैंडेबल ये काम करती है अब क्या होता है यहां पर ये जो मैक्सिला है इसमें ऐसा एक स्ट्रक्चर लटका रहता है मैक्सिला में और लोअर लिप में भी ऐसे लटके रहते हैं दो मैंडिब मैक्सिला में एक एक ऐसा लटका रहता है और लोअर लिप में दो लटके रहते हैं एक एक और ये दो इन्हें पैल्प बोलते हैं ये है मैक्सिलरी पैल्प ये जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं और ये है लेबियल पैल्प इनका नाम है एनसीआरटी में इनकी लेबलिंग है एनसीआरटी में ये इंपॉर्टेंट है ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा सेंसरी इनसे भी ये टच की तरह काम करते हैं प्लस ये अपनी बॉडी को साफ भी करते हैं पैल्प की पैल्प की हेल्प से ठीक है ताइका, नेहा जारा बिल्कुल क्लियर है सबको बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के अपर लेप लोअर लिप दो मैक्सिला दो मैंडेबल हाइपोफेरिंग्स मीडियन मीडियम फ्लेक्सिबल सा लोब एंड पैल्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए आगे बढ़े हम तो मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको इसमें मीडियम फ्लेक्सिबल लोब कहते हैं हाइपोफेरिंग्स को एक चीज थी बाकी तो ये सब मैंने आपको बता दिया आईव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग एवरीथिंग चल अब आउ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं हेड की बात हो गई तो हेड ट्राइंगुलर है एंटीरियर है 90 डिग्री टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ बॉडी है हेड पे वन पेयर एंटीना है वन पेयर कंपाउंड आइज है एंड माउथ पार्ट है और कौन कौन से हैं बता दिया मैंने एंटीना भी देख लो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है है ना फ्रंट में है अब आओ हम थोरैक्स पर आते हैं बड़ा ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा एक्चुअली इनके अंदर नेक होती है और नेक के कारण ही कॉकरोच अपना सर सब डायरेक्शन में घुमा सकता है पर नेक तो दिखती नहीं है क्यों नहीं दिखती आओ बताती हूं जैसे सपोज करो ये छोटी सी नेक है अब इधर ही थोरैक्स आ गया ये फर्स्ट सेगमेंट सेकेंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट इसे बोलेंगे पहला है प्रो थोरैक्स बीच में है थोरैक्स और लास्ट में है थोरैक्स ठीक है तो ये है प्रो थोरैक्स ये है मीजो थोरैक्स और ये है थोरैक्स अब होता क्या है मैंने आपको कहा था हर सेगमेंट को ऊपर नीचे और दोनों तरफ से काइटिन की प्लेट्स कवर करती है तो जो थोरैक्स है उसकी जो काइटिन की ऊपर वाली प्लेट है उसे प्रो बोलते हैं मिडिल वाली को मीजो नोटम बोलते हैं और मेटा वाली को मेटानोटम बोलते हैं ये डिटेल एनसीआरटी में नहीं दी है पर प्रो नोटम दिखाया है तो होता क्या है ये नेक जो है ना ये इसी प्रोथोरैक्स वाले एरिए में छिप जाती है तो नेक प्रेजेंट है बिल्कुल है फ्लेक्सिबल नेक है उसके कारण हेड सारी डायरेक्शंस में घूमता है पर वो प्रोथोरैक्स के अंदर प्रो नॉटम के अंदर कवर हो गई है तो ये जो पूरा कवर होगा इस पे काइटन की प्लेट जो होगी उसे प्रो नॉटम बोल देते हैं प्रो नॉटम प्रो नोटम प्रोथोरैक्स की काइटन की प्लेट है स्क्लेराइट है ऐसा लिख देती हूं मैं शॉर्ट में याद रहे ताकि बाकी बिल्कुल नेक मिलती है नेक मिलती है और नेक एकदम फ्लेक्सिबल है और चारों डायरेक्शन में बढ़िया धड़ाधड़ सर को घुमाते हैं ठीक है थीके? अब फ्रैक्स की अगर मैं बात करूं तो ये हेक्सापोड़ा है यानी सिक्स लेग्स थ्री पेयर तो तीनों सेगमेंट से वन वन पेयर जॉइंटेड लेग्स निकलते हैं जॉइंटेड, जैसे ये एक पेर निकला ये एक और पैर निकला और ये एक और पैर निकला इधर भी ऐसे ही एक पैर निकला इसमें जॉइंट्स रहते हैं पहले हम लोग सेगमेंट्स पढ़ाते थे एनसीआरटी में नहीं दिए हैं तो अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी पर जॉइंट्स रहते हैं इसीलिए ये बहुत तेज भाग सकता है सो so, ये लेग्स हो गए लेग्स क्या क्या नाम दे दोगे जो प्रोथोरैग से निकलेगा प्रो लेग्स जो मीजोथोरैक्स से निकलेगा मीजोथोरैसिक लेग्स और जो मेटाथोर से निकलेगा मेटाथोरैसिक लेग्स थोरैक्स से निकले लेग्स कितने जोड़ी हैं ये वन पेयर ये भी वन पेयर और ये भी वन पेयर टोटल थ्री पेयर इंसेक्टा हेक्सापोडा ठीक है अब इसी क्स से विंग्स भी निकलते हैं तो थोरेक्स से दो चीजें याद रखनी है थोरैक्स से लेग्स एंड विंग्स थोरैक्स से लेग्स एंड विंग्स विंग्स कैसे निकलते हैं अब देखो ऐसे याद रखो प्रोथोरैक्स में तो नेक आ गई प्रोथोरैक्स में तो नेक आ गई तो मीजो और मेटा से विंग निकलता है अब बड़ा ध्यान से समझना मीजो और मेटा से विंग निकलता है मीजो से जो विंग निकलेगा और एक मेटा से विंग निकलेगा तो मीजो वाला विंग मोटा सा होता है ओपेक होता है और प्रोटेक्टिव होता है मतलब ऐसे करके पूरा जब कॉकरोच बैठा हुआ है तो आपको यही विंग दो होते हैं एक इधर भी होगा पर अभी मैं क्या कर रही हूँ उस वाले को ऐसे बना देती हूँ मैंने उसको थोड़ा सा हटा के दिखाऊंगी आपको ऐसे बना देती हूँ ये भी इधर ही है एक तरफ मैंने कवर दिखा दिया एक तरफ मैंने थोड़ा उसको हटा दिया है ये विंग जो है मीजोथोरैक् से निकल रहा है इसे फोर विंग कहते हैं आगे के हिस्से से निकला है आगे वाले पार्ट से निकला है तो फोर विंग या मीजो थोरैसिक विंग विंग पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे मीना यानी मीना भी बोलते हैं टेग मीना, मीना नाम से ही समझ में आ रहा है मीजो से निकल रहा है थोरैक्स से निकल रहा है ये कैसा है ये रक्षा करने के लिए बनाया गया है और रक्षा के लिए बनाया है तो नेचुरली डार्क से कलर का है ओपेक है लेदर जैसा है भाई लेदर की जैकेट कितनी रक्षा करती है हमारी तो लेदरी है ये प्रोटेक्ट करेगा दूसरे वाले विंग्स जो अभी हम बात करेंगे हाइंड विंग्स को हाइंड विंग्स को तो जब कॉकरोच बैठा हुआ है आपको जो ऊपर पंख दिख रहे हैं पर दिख रहे हैं विंग्स दिख रहे हैं ये है है फोर विंग जब वो उसे हटाएगा तो उसके नीचे पतले पतले ट्रांसपेरेंट से से विंग्स हैं, हैं जो से निकल रहे हैं। ये पीछे हैं तो हाइंड विंग हाइंडोरैक्स से निकल रहे हैं तो मेटाथोरासिक विंग और ये पतले पतले हैं ट्रांसपेरेंट है, है क्यों क्योंकि यही उड़ने में हेल्प करते हैं और उड़ना है तो वेट लाइट होना चाहिए इसीलिए पतले पतले से हैं तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है तो जब आप इसको हटाएंगे तो आपको इस तरह का विंग दिखेगा ऐसा विंग जब आप हटाओगे यहां नहीं दिख रहा क्योंकि यहां पर यह कवर किया हुआ है इसीलिए दिस इज हाइंड विंग पीछे वाला हाइंड विंग ये मेटाथोराट से निकलेगा तो मेटाथोरासिक विंग थोरेसिक विंग Osionfish. यही है फ्लाइंग विंग फ्लाइंग विंग इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट होगा वो ओपेक है ये ट्रांसपेरेंट है थिन है थिन वो डार्क है है लेदरी ये थिन है ट्रांसपेरेंट है इसे प्लाई करना है ये भी वन पेयर है एक जोड़ी है ये भी वन पेयर है मैंने लिखा नहीं है शायद मैं यहां लिख देती हूं वन पेयर दोनों ही एक एक जोड़ी है यानी थोरैक से थ्री पेयर लेग्स निकलेंगे तीनों सेगमेंट से वन वन पेयर और टू पेयर विंग्स निकलेंगे प्रोथोरैक्स में नेक आ गई तो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से विंग निकलेंगे वन वन पेयर ऊपर वाला जो है ये प्रोटेक्टिव है फोर विंग है टेगमिना भी बोलते हैं और नीचे वाला जो है वो फ्लाइंग विंग है थिन है ट्रांसपेरेंट है ताकि फ्लाई करने में हेल्प कर सके ठीक है क्लियर है सबको यहां तक सबको समझ में आ गया तो यस या हम सब दे दो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से मॉर्फोलॉजी थोरैक्स पढ़ लिया है हमने हाँ पतला सा है ना मेम्ब्रेन की जैसा है मेम्ब्रेनस पतला सा झिल्ली जैसा चलिए अपनी एनसीआरटी निकालिए एक बार सब एनसीआरटी निकालिए आइए एनसीआरटी में एक लाइन मार्क करा देती हूं आपको हम्म ड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रो थोरैक्स नोन एज द नेक ये इम्पोर्टेंट है और ये तो सब मैंने बता दिया ओपेक डार्क लेदरी हाइन विंग्स हाँ ये तो सब बता दिया मैंने ठीक है ये नेक वाला पॉइंट जो है इसे मार्क कर लेना चलिए तो थोरैक्स से हो गए हमारे विंग्स एंड लेग्स क्लियर है अब आते हैं हम एबडोम पर अब एबडोमन बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को आपको बिल्कुल नहीं करेगा डोंट वरी नो टेंशन ये रहा एब्डोमन अब हालांकि छोटा बनाया मैंने कायदे से थोरैक्स से बहुत लंबा बनना चाहिए क्योंकि थोरैक्स में तो थ्री सेगमेंट्स है इसमें तो टेन सेगमेंट्स होंगे ठीक है वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये है एबडामन एबडोम Abdom. एम्ब्रियो में इलेवन सेगमेंट्स थे पर अडल्ट में जाकर दो आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो टेन सेगमेंट्स होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल इन बोथ मेल एंड फीमेल अब मैं इसकी ज्यादा बात अभी नहीं करूंगी मैं आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दूंगी पूरा कॉकरोच फिर मैं एनसीआरटी की कुछ लाइंस पर आऊंगी चलिए अब आ जाओ अपन एनसीआरटी का पहले डायग्राम देख अब मुझे आपको कुछ बड़ी मजेदार बात बतानी है पहले समझो एक्चुअली एबडोमन का जो आखिरी का हिस्सा है ना वो जिनाइटल पाउच बनाता है या जिनाइटल चेम्बर बनाता है अब आपको क्या याद रखना है अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा अभी सिर्फ लिख लो एक बार लिख लो एक बार लिख लो जिनाइटल पाउच या चेम्बर पाउच या चेम्बर एक बार लिखो ये लाइंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे मैं अभी समझाऊंगी सब फीमेल कॉकरोच के अंदर होता क्या है जो नीचे वाला सेवेंथ सेवेंथ वाली काइटिन की प्लेट है यानी सेवेंथ स्टरनाइट है वो ऐसी बड़ी सी बोट शेप की हो जाती है और प्लस एर्थ नाइन्थ वो पूरा मिलकर जो एरिया है उसे जिनाइटल पाउच या चेंबर कहेंगे वहां पे क्या क्या घटनाएं घटेंगी वही फर्टिलाइजेशन होगा ऊथिका बनेगी मैं सब आगे सिखाऊंगी आज की क्लास में अभी इतना समझ लो कि यहां पे जेनाइटल पाउच किस किस से बन रहा है सेवेंथ एर्थ एंड नाइन्थ स्टरनाइट स्टरना या स्टरनाइट और उनमें से भी सबसे बड़ी ये सेवेंथ वाली जो है ये एकदम आ, क्या बोलना चाहिए उसे बोट शेप की हो गई है बोट शेप इसमें क्या क्या खुलेगा वो अभी मैं आपको सिखाऊंगी ठीक है एक्चुअली इसमें क्या क्या खुलेगा वो अभी हम सीखेंगे तो ये ए बी सी तीन लाइंस में छोड़ देती हूं इसमें क्या क्या ओपन होगा अब हम मेल की बात कर लेते हैं मेल मेल के अंदर पाउच कैसे बनता है ध्यान से समझो ऊपर वाली नाइन्थ और टेंथ और नीचे वाली नाइन्थ ऊपर वाली नाइन्थ और टेंथ ट्रगाइड और नीचे वाली नाइन्थ इस एरिया में स्पर्म्स रिलीज होंगे स्पर्म के पैकेट्स में बताऊंगी इसी एरिया में एनस यानी फीकल मैटर रिलीज होगा इसी एरिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो फीमेल कॉकरोच के साथ कॉप्युलेशन करेंगे इंटरकोर्स में हेल्प करेंगे यानी जेनाइटल पाउच होगा तो किस किस ने बनाया मैंने क्या कहा आपसे नाइन्थ एंड टेंथ ऊपर वाली टर्गाइड यानी टरगा एंड नाइन्थ स्टर्नम इनसे मिलकर पाउच बनता है पाउच और इसमें क्या क्या ओपन होता है ए बी सी हम अभी छोड़ देते हैं ये अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं एनसीआरटी की लाइन है थोड़ी देर में बताऊंगी इसको फिलिंदा ब्लैन की तरह समझ लो अभी चल ठीक है अब हो गया इतना फटाफट से लिखो अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो जो टेंथ आखरी वाला सेगमेंट है वहां पे ऐसे दो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे ऐसे ये कान है इनसे ये साउंड वेव्स को परसीव करते हैं इन्हें बोलते हैं एनल सरकाई एनल सरकाई एनल सरकाय एनल सरकाय कहां पर है टेंथ सेगमेंट पर है बेटा टेंथ सेगमेंट से निकल रहे हैं आखिरी में कान है इनके टेंथ सेगमेंट कितने हैं दो यानी वन पेयर किसमें है मेल या फीमेल दोनों में है बोथ सेक्स के अंदर है बोथ सेक्स कैसे हैं सेगमेंटेड है जॉइंटेड है, है आप देख सकते हो जॉइंटेड स्ट्रक्चर है धागे जैसा जॉइंटेड स्ट्रक्चर है जॉइंटेड, जॉइंटेड पिलामेंटस धागे जैसा एंटीना भी धागे जैसा जॉइंटेड है ये भी धागे जैसा जॉइंटेड है एंटीना बिल्कुल एंटीरियर में है ये एकदम लास्ट में है मेल फीमेल दोनों में बनेगा अगर मैं यहां कहानी खत्म कर दूं तो ये फीमेल कॉकरोच हो जाएगा पर अगर मुझे इसे मेल कॉकरोच बताना है तो मेल क्या करते हैं स्टाइल में रहने का स्टाइल में रहने का यानी अगर ये मेल कॉकरोच है तो इसमें एक जोड़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ये मैंने जॉइंटेड नहीं बनाए हैं शॉर्ट बनाए हैं और इसमें से, सेप्टा भी नहीं बनाया है ये है एनल स्टाइल इस पर बहुत क्वेश्चन आता है क्योंकि ओनली मेल्स में मिलता है क्योंकि ये आखिरी हाइंड पार्ट से मिल रहा है टेल वाला पार्ट ऐसा समझ लो पीछे का पार्ट तो इसे कॉडल स्टाइल भी बोलते हैं तो मैं इसे काम करती हूं मैं इसे इसके डिटेल्स नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूं ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं अगर केवल दो दिख रहे हैं तो ये तो फीमेल है पर दो तो वो दिख गए सरकाई और दो और दिख रहे हैं पीछे स्टाइल तो मेल है एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल दिस इज ओनली इन मेल कॉकरोच ये सेक्सुअल डायमोरफिजम के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो मेल फीमेल अलग अलग दिखता है ये छोटे से हैं धागे जैसे हैं छोटे से हैं धागे जैसे हैं शॉर्ट थ्रेड लाइट वो लंबा सा है ये छोटे छोटे हैं थ्रेड लाइट -like. इससे आप मेल फीमेल पहचान सकते हो इस इसमें बहुत क्वेश्चन आता है क्लियर हुआ यानी एबडोमन में बेसिकली एनल आई मीन सरकाय तो मेल फीमेल दोनों में मिलेगा स्टाइल एडिशनली मेल में मिलेगा जिनाइटल पाउच कैसे बनाए वो हमने देखा कौन से सेगमेंट से आप अलग से जहां पर सेगमेंट्स लिखोगे इनके सेगमेंट्स लिख लेना जिनाइटल पाउच में क्या क्या खुलेगा वो अभी नहीं समझ आएगा थोड़ी देर में समझ आएगा बाकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम वो सब थोरैक्स और एबडोम में होगा वो अभी हम देखेंगे जल्दी से इतना नोट करिए सेगमेंट्स जहां भी आते जाए वहां पर लिखते जाइए हो गया डेंगू और चिकनगुनिया विश्वजीत में उम्मीद सीरीज में ट्वेल्थ ज़ुलॉजी लूंगी तब आपको पढ़ा दूंगी ठीक है मैं तेजस कह रहे हैं मेडिटेशन फोर बाय फोर टेक्निक्स आई एम फीलिंग वेरी गुड बहुत बढ़िया इस समय सब लोग फोर बाय फोर टेक्निक और नाम जप मेडिटेशन जरूर करो क्योंकि इस समय सारा खेल मेंटल बैलेंस का है हम शांत रहकर अपने आप को कितना पॉजिटिव रखकर पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत जगह से अब आने वाला है तो बहुत जरूरी हो गया है कि आप एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट सुबह और टेन टू फिफ्टीन मिनट्स रात को सोते टाइम करें आप आधा घंटा निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं बर्बाद हम जरूर करते हैं वो समय ठीक है मक्खन क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्या बात है क्या बात है चलो सो so, ये एनसीआर का डायग्राम है आ जाओ अब आप लोग खुद देखो सबसे पहले हेड हो गया हेड में एंटीना हो गया कंपाउंड आई हो गई ये देखो मैं कह रही थी ये लेबल्ड है प्रो नोटम ये प्रोनोटम ये एक्चुअली ये काइटन की प्लेट है इसको हटाओगे तो प्रोथोरैक्स है और उसके अंदर नेक है प्रोनोटम अब फिर ये मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स हो गया ठीक है मीजो और मेटा अब तीनों से एक एक जोड़ी पैर निकलेगा ये देखो प्रोथोरैसिक लेग मीजोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैसिक लेग ये तीनों पैर हो गए एक जोड़ी इधर है ऐसी एक एक जोड़ी इधर है अब मीजो से ये वाला विंग निकला फोर विंग टेगमिना यहां हटाया है यहां पर एक साथ लगा हुआ है इसे भी हटाओगे तो नीचे वाला से हाइंड विंग उसके बाद पूरा एबडोम है और ये रहे टेंथ आखिरी वाले सेगमेंट से एनल सरकाय चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है बताइए रहमान मिस यू मैम आपके क्लास में अलग ही वाइब होता है थैंक यू सो मच माय डियर थैंक यू मैम आपकी वजह से सिद्धार्थ लिख रहा है बायो बहुत अच्छा हो गया है पूरी बायो आपसे पढ़ी थैंक यू माय डियर गॉड ब्लेस यू यस ये फीमेल है क्योंकि ये स्टाइल नहीं मार रही है इसके पास एनल स्टाइल नहीं है वेरी गुड तो ये हमने इसकी मोरफोलॉजी कंप्लीट की ये वाला डायग्राम भी देख लो अब तो आपकी टिप्स पर है ये मुंह खोला हुआ है ऊपर वाला अपर लिप लैबरम नीचे वाला लोअर झाड़ू लगाएगा ये लेबियल पैल्प इससे भी झाड़ू लगेगी मैक्सिलरी पैल्प बीच में टंग जैसा मीडियम लोब हाइपोफरिंग और मैंडेबल में ही ग्राइंडिंग और इंसेजन होगा आ गए मजे रट गया क्लास में चल अब ये साइड लुक दे रहा है ये साइड प्रोज ये तो फ्रंट है हैुक साइड प्रोफाइल तो साइड से देखोगे तो ये सिंपल आई है ऑसिलस ये कंपाउंड आई है एक एक ही दिखेगी क्योंकि एक साइड से देख रहे हो लेटरली हाँ ये एक एंटीना देखो फोटो ही याद कर लो और ये पीछे से निकल रहा है ये दूसरा वाला एंटीना हो गया यहां देखिए ये रही मैंडेबल मैक्सिला लेबियम कैसे रखोगे ये लेबलिंग ऊपर है ऊपर वाला ये नीचे है नीचे वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन चीजों में ही होता है लेबरम लेबियम लेबलिंग यहीं से गड़बड़ हो जाती है सुमित आपको बहुत मिस करते थे हाँ आई नो अपने बहुत दिन बाद लाइव क्लास हुई है अब तो मैं उम्मीद सीरीज में आ जाऊंगी हाँ ट्वेल्थ दॉजी लूंगी मैं वहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसमें हम डेंगू चिकनगुनिया वगैरह कवर कर लेंगे एंड इवोल्यूशन चैप्टर ठीक है चल, अब आज हम आ जाते हैं एनाटमी पर एनाटमी में हम सबसे पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कुछ हमारी तरह है सबसे पहले हमारे में क्या होगा माउथ इसके में भी क्या होगा माउथ सपोज करो ये इसका माउथ है वो ही माउथ पार्ट्स सब जो भी कुछ है मुंह। मुंह के बाद इन में आता है, तो ये सपोज मैंने पैरिंग पैरिंग्स बनाया छोटा सा होगा शॉर्ट और ट्यूब जैसा है शॉर्ट ट्यूब्यूलर पैरिंग्स। हमारे में भी तो यही होता है माउथ बक्कल कैविटी और फैरिंग्स फिर हमारे में भी फैरिंग्स के बाद क्या आ जाती है बेटा ईसोफेगस इनके में भी आ जाएगी ईसो वही टिब्यूलर स्ट्रक्चर है थोड़ा सा लंबा है फेरिंग्स के कंपेरिजन में अब हमारे में आ जाता है इसके बाद स्टमक जहां खाना स्टोर होता है फोर फाइव आवर्स के लिए याद आ रहा है पर यहां स्टमक नहीं है यहां एक थैला है थैला ये रहा थैला इसे बोलते हैं क्रॉ सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये सैक लाइक -like. ये खाना स्टोर करता है फूड स्टोरेज हमारे पेट जैसा समझ लो ये क्रॉप और गिजार्ड अपन बर्ड्स में भी पड़ते हैं एनिमल किंगडम अब इसके बाद ये एक पार्ट आता है मैंने आपको कहा था इसके दांत नहीं हैं। इसके दांत नहीं हैं, तो मैंबल ने काफी तो ग्राइंडिंग चबाना कर दिया है और जो और कुछ बच गया वो यहां से चबाया जाएगा इसे बोलते हैं गिजार्ड ड इसी का एक और नाम है प्रो वेंट्री कुलस प्रोवेंट्री कुलस इसमें होता क्या है समझना इसमें मसल्स होती है सर्कुलर मसल्स बाहर की तरफ एकदम थिक और उसके अंदर की तरफ ऐसे तीन इधर और तीन इधर यानी सिक्स काइटिन के दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो जो बच गया है वो यहां पर चबा दिया जाएगा इसका काम है क्या क्या है यहां पर इसमें आउटर में तो थिक सर्कुलर मसल्स हैं, बेटा सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल लिख देंगे गलत हो जाएगा थिन लिख देंगे गलत हो जाएगा और अंदर सिक्स काइटिन के दांत हैं, काइटिनस टीथ हैं। और ये सब मिलकर खाने को चबाएंगे यानी जी से गिजार्ड जी से ग्राइंडिंग ऑफ फूड ये बात तो हम बर्ड्स में भी पढ़ते थे ये बात तो हम बर्ड्स में भी पढ़ते थे क्रॉप में खाना स्टोर होता और गिजार्ड से आ, उसकी वो होती है क्या बोलते हैं ग्राइंडिंग अब जो थ्योरी में नहीं दिया पर एनसीआरटी के डायग्राम में बनाए ध्यान से समझो हमारे में सलाइवरी ग्लैंड्स भी तो होते हैं हमारे में तीन जोड़ी थ्री पेयर होते हैं पैरोटेट सब मैंडिबुलर सब इनके में वन पेयर होता है एक्चुअली होता क्या है इधर बनाती हूँ जैसे सपोज ये इसका ग्लैंड है ऐसा 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 रहता है वन एक जोड़ी अब आपको समझाती हूं हालांकि थ्योरी में नहीं लिखा है इसके हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वन पेयर अब बड़ा ध्यान से सुनो जैसे इसने आ, की हेल्प से खाना उठाया और टंग पे रखा हाइपो फैरिंग्स टंग में रखा वो माउथ के अंदर ही है तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसमें सलाइवा ऑलरेडी बनता भी रहता है एक पार्ट में और एक पार्ट में स्टोर होता रहता है वो सलाइवा उस हाइपो फैरिंग्स टंग पे चला गया मैंडेबल ने ऑलरेडी थोड़ी ग्राइंडिंग कर दी है जैसे हमारे दांत करते हैं वो खाना सलाइवा से मिक्स हो गया और अब वो फेरिंग्स में गया ईसोफेगस में गया क्रॉप में गया और क्रॉप के बाद गिजार्ड में गया और गिजार्ड में जाने के बाद वो थिक सर्कुलर मसल और काइटिन की टीथ ने और उसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया अच्छे से इस पूरे पार्ट को गट कहते हैं अप टू गिजाड दिस इज फोर गट।, गट इस पूरी गट को एक लाइनिंग करती है क्यूटिकल कहते हैं लाइंड बाय क्यूटिकल क्यूटिकल ये हो गया पूरा इसका गट ठीक है गट अभी तक इसमें डाइजेशन नहीं हुआ एब्सॉर्पन नहीं हुआ केवल ग्राइंडिंग और सलाइवा जरूर आया था और सलाइवा में क्या होगा बेटा वही अमाइले सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम वही सेम कहानी होगी मैं लिख नहीं रही हूं एनसीआरटी में नहीं लिखा इसलिए अब यहां पर अब यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं सिक्स टू एट सिक्स टू एट ऐसे ऐसे यहां पे डाइजेस्टिव जूस बन रहा है भाई हमारे में क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस आता है लिवर से जूस आता है जो बॉल ब्लैडर में भी स्टोर्ड होता है बाइल तो ये सारे जूसेस डाले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टिन डिओडेनम में ताकि वहां पे डाइजेशन हो क्योंकि इन जूसेस के अंदर ही एंजाइम्स होते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे लिवर के जैसा ही समझ लो लिवर और पैनक्रिया दोनों का काम करेगा इसे बोलते हैं हिपैटिक सीकी या गैस्ट्रिक की हमारे अंदर डाइजेस्टिव सी की जैसे सी की जैसे हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है पैनक्रियाटिक जूस होता है बाइल लिवर का जूस होता है वो सारा कुल मिला के डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स इसी जगह पर बनेंगे ये कितने हैं सिक्स टू एट ब्लाइंड एक तरफ से बंद है इस तरफ खुले हैं क्योंकि यही डालना है क्योंकि खाना यही आ रहा है सो ब्लाइंड टिब्यूल्स हैं ये कहां पर है ये फोरगट एंड हो गई है और अब मिडगट स्टार्ट होगी सो एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट फोरगट एंड मिडगट क्लास में याद करो कुछ भी नहीं रटना और इनका काम क्या है सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस हर शब्द पे क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है इसको रखने की जरूरत ही नहीं है ये कहा मिलेगा जब खाना अच्छे से चबा लिया और अब फाइनली डाइजेशन एक्सॉप्शन होना है मिडगट में और फोरगट में चबा लिया तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर ही तो मिलेगा और जैसे ही ये यहां पर मिला अब यहां पे जो शुरू होगी ये हो गई हमारी मिडगट मिडगट के अंदर ये सारा डाइजेस्टिव जूस डालेगा ताकि खाना जो है ये यहां तक फोरगट थी अब खाना जो है वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो और एब्सॉर्ब हो वो सब कुछ होगा मिडगट से मिडगट से एब्जॉर्प्शन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो काम हमारे में स्मॉल इंटेस्टिन करती ऐसा समझ लो वो काम यहां पर हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे भी तो फेंकना है तो अब यहां पे हाइंड गट गट आएगी हाइंड में इसमें गएगी पार्ट है इलियम अब आप कहोगे मैम हमारे में तो ये स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है बिल्कुल पर इनके में इलियम कोलॉन और रेक्टम हमारे में भी तो स्मॉल इंटेस्टीन का लास्ट पार्ट इलियम था फिर सीकम जैसा यहाँ कुछ नहीं है फिर कोलॉन थी फिर रेक्टम था और फाइनली ये छेद हो जाएगा एनस एनस ये जो पूरा पार्ट है इसे बोलते हैं हाइंड एनसीआरटी में नहीं लिखा पर फोरगट और हाइंडगढ़ दोनों में क्यूटिकल लेयर होती है मिडगट में नहीं होती क्योंकि वहां से एब्जॉर्बन होना है तो थ्री पार्ट्स हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के फोरगट मिडगट एंड गट फोरगट में सारा चबाना वबाना हो जाएगा स्टोरेज चबाना सलाइवा मिक्स होना वो सब उसमें माउथ फेरिंग्स ईसोफेगस क्रॉप एंड गिजार्ड एंड सलाइवरी ग्लैंड ये आ जाएंगे फिर मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर हिपैटिक सीकी आ जाएगा और फिर हाइंडगट अब इसको मैं कैसे याद करती थी मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था पीसीआर नहीं आईसीआर मैं आईसीआर याद करती थी आईसीआर पीसीआर नहीं आईसीआर 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 वीसीआर नहीं पीसीआर नहीं आईसीआर इलियम कोलॉन रेक्टम आप सुनिए ध्यान से मिडगढ़ हाईनगढ़ के जंक्शन पर येलो येलो कलर के सौ से डेढ़ सौ पतले पतले स्ट्रक्चर्स धागे जैसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिखते हैं यहां पर गे. इन्हें बोलते हैं मालपीगियन टिब्यूल्स क्या बोलते हैं इन्हें मालपीगियन ट्रिब्यूज इन पर भी बहुत क्वेश्चन आता है आप लोग ऑलरेडी मालपीगियन 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 वन सेकंड आप ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं इंसेक्टा क्लास का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपीगियन टिब्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हंड्रेड से वन ट्वेंटी तो ये है सिक्स से एट ये है हंड्रेड से वन फिफ्टी येल्लो कलर के हैं पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे था ये मिडगट एंड हाइनगढ़ के जंक्शन पर है जंक्शन ऑफ मिडगट एंड अगर अपन ने समझ लिया कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा होता क्या है? मैं अभी थोड़ी देर में कि मालपीगियन टिब्यूल एब्सॉर्ब करते हैं यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं अगर आपने याद हो अगर आपको लैंड वाले इंसेक्ट्स कॉकरोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं और उस यूरिक एसिड को इनमें हमारी तरह नहीं है कि पीसेस अलग निकल रही है एनस से और यूरिन नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया जो है वो यूरिन से निकल रहा है इनमें ऐसा नहीं है इनमें पीसेस भी यहीं से निकलेगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट वेस, और जो यूरिक एसिड बनाया जाएगा वो भी हाइंड गट में ही डाल दिया जाएगा तो मालपीगियन ट्रिब्यूल क्या करते हैं दे एब्सॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी एंड कन्वर्ट इंटू यूरिक एसिड यूरिक एसिड और यूरिक एसिड को फिर हाइंड गट में डाल देते हैं और एनएस के थ्रू ही यूरिक एसिड भी निकलता है यूरिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आया था जो एनसीआरटी में कहीं नहीं लिखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा वाला पिकअप करते हैं जिसे फिर ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं कहीं नहीं है एनसीआरटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पोटेशियम यूरेट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीआरटी तो आपके टीचर्स अगर कुछ आउट ऑफ एनसीआरटी पढ़ाते हैं तो आपको आना चाहिए पोटेशियम यूरिक एसिड पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में नाइट्रोजनस स्पेस बॉडी कैविटी में पड़ा है उसे मालपीगन ट्रिब्यूल्स उठाएंगे उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और हाइन गट में डाल देंगे तो अगर आपको फंक्शन पता है ना आप इस गलती कर ही नहीं सकते हो भाई डाइजेस्टिव जूस का काम तो यहाँ है क्योंकि यहाँ मिड गट में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होना है वहां पर मालपीगियन ट्रिब्यूल का क्या काम है और यहां पर मालपीगियन ट्रिब्यूल है क्योंकि फाइनली वेस्ट हमको यूरिक एसिड को बाहर फेंकना है यहां पर हिपैटिक सीके का क्या काम है क्या सबको क्लियर हो गया मैं साइड हो जाती हूँ जल्दी से मुझे ये सब सब दे दो डाइजेस्टिव सिस्टम एक एक वर्ड अच्छे से समझ आ गया ट्विंकल आस्था एवरीवन चलिए चल अब आ जाओ हम एनसीआरटी का डायग्राम देख लेते हैं So, ये एक-एक एक-एक वर्ड, लाइन मैंने आपको पढ़ा दी है हाँ एक चीज और इसमें ब्रॉडर क्या दिख रहा है चौड़ा ये मैंने पतला बनाया ये थोड़ा चौड़ा बनाया है तो यहां मार्क अलग से लिख लो आप हाइंगट इज ब्रॉडर देन मिडगट आओ एनसीआरटी का डायग्राम डी कोड करते हैं देखिए माउथ नहीं बना पैरिक्स पैरिक्स के बाद ये छोटा सा ईसोफेगस ईसोवेगस के पास बड़ा सा थैला ये है क्रॉप जहां खाना स्टोर होगा और ये वाला पार्ट है गिजार्ड गिजार्ड यहां पर देखो ये सलाइवरी ग्लैंड है जहां पे सलाइवा भरा रहेगा तो ये सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें ये रिजर्व ऑयल एक पार्ट सलाइवा प्रोड्यूस करता है और एक पार्ट सलाइवा स्टोर करता है अब ये हो गई फोरगट कंप्लीट यहां से ये ये लूप आया मिडगट का फोरगट और, और मिडगट के जंक्शन पर ये देखिए सिक्स से एट ये है गैस्ट्रिक सी की जो डाइजेस्टिव जूस बनाएंगे ये मिडगट या गई अब इसके बाद यहाँ पे इलियम इलियम के बाद कोलन कोलन के बाद रेक्टम यहाँ नहीं बना पर इधर एनस होगा तो ये रेक्टम कोलन इलियम ये हो गई हाइनगढ़ और मिडगट और हाइनगढ़ के जंक्शन पर हंड्रेड से वन फिफ्टी येल्लो कलर के पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स ये हो गए मालपीगियन टिप्यू ये एक्चुअली अंदर है ऐसे बाहर निकालकर हमें दिखा रहे हेड से लेके एब्डोमेन पूरे में है एलिमेंट्री कैनाल मजे आ गए करें आगे बढ़े सबको समझ में आ रहा है चल अब हम आ जाते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बहुत सिंपल है रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसेक्ट्स में क्या पढ़ा है आपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए मुझे ट्रेकियल टिब्यूल्स याद है ट्रेकियल सिस्टम या ट्रेकियल टिब्यूल्स या आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में भी पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा नाउ इसमें होता बहुत सिंपल है देखो सपोज ये कॉकरोच है तो कॉकरोच की साइड में हेड में नहीं थोरैक्स में और एब्डोमेन में साइड वाली जो काइटेन की प्लेट है यानी प्लूराइट उनमें छेद होते हैं छोटे छोटे टोटल दस जोड़ी दस इधर दस इधर जिनमें से दो थोरैक्स में होते हैं और एट एब्डोमेन में तो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हीं से हवा आएगी जाएगी हमारे नॉस्ट्रिल के जैसे हमारे में तो दो नॉस्ट्रिल है इनके में थोरैक्स और एब्डोमेन में मिलाकर दस जोड़ी नॉस्ट्रल्स हैं क्या क्या है टेन पेयर टू थोरैक्स में टू मतलब टू पेयर दो जोड़ी और प्लस एट पेयर एब्डोमेन में एब्डोमेन में इन्हें बोलते हैं स्पिरिकल्स इन छेद को बोलते हैं स्पिरेकल्स ये हमारे नॉस्ट्रल छेद के बराबर है लेटरली है लेटरली तभी तो जोड़े में है लेटरली ठीक है अब मान लो ये एक स्पेरिकल है अब हर छेद से ट्यूब्स निकलते हैं ये सपोज ट्यूब है ये ट्यूब है तो ये तो हो गया स्पेरिकल दस जोड़ी होंगे इसे बोलते हैं ट्रेकिया हमारी तरह इसमें नेजो फैरिंग्स ऐसा कुछ नहीं है लैरिंग ऐसा भी कुछ नहीं है सीधे ट्रेकिया आ गया और फिर ट्रेकिया पतला पतला डिवाइड होगा जैसे हमारे में ब्रोंकाय ब्रोंकियोल्स और अल्टीमेटली एल्व्यूलाय बनता है कुछ वैसा इन पतले पतले डिविजन्स को ट्रेकियोल्स कह देंगे तो स्पिरिकल्स तो जहां से हवा अंदर आएगी जाएगी फिर ट्रेकिया और फिर ट्रेकियोल्स। ट्रेकियोल्स को एलव्यूलाय के बराबर मानो इनके में ब्लड का रोल नहीं है रेस्पिरेशन में हमारे में तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाती है फिर ब्लड के अंदर 97 परसेंट जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर 3 परसेंट प्लाज्मा में घुलकर यानी ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंचती है ऐसे ही सी टू टिश्यू से ब्लड में आती है फिर ब्लड से एलविलाई में डिफ्यूज होती है यहाँ ब्लड का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं है कोई पिगमेंट नहीं है हम देखेंगे कलरलेस ब्लड होता है तो यहां पर ब्लड का कोई रोल नहीं है गैस्ट्रियस एक्सचेंज में यहां पर डायरेक्ट टिश्यूज के कॉन्टैक्ट हैं ये टिश्यू है कोई भी एक इसका ऑर्गन ये टिश्यू है ये टिश्यू है टिश्यू और डायरेक्ट ओ टू यहाँ जा रही है और सी टू इसमें आ रही है मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है डायरेक्ट लेन देन होता है यहां पर ब्लड का कोई रोल नहीं होता है तो यहां से होता है एक्सचेंज ऑफ गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां से होती है एनसीआरटी में क्लियरली दिया है प्रोसेस वही होगा सिंपल डिफ्यूजन से बाई डिफ्यूजन यानी ऑक्सीजन ज्यादा यहां है टिश्यू में कम है तो टिश्यू में चला जाएगा CO2 टिश्यू में ज्यादा है ट्रेक्योल में कम है तो यहां आ जाएगा ब्लड का कोई रोल नहीं है गैस के एक्सचेंज में गैस के ट्रांसपोर्ट में क्या आपको याद आ रहा है गैस के ट्रांसपोर्ट में हमारे में ब्लड का रोल था आरबीसी का प्लाज्मा का रोल था या ऐसा कुछ भी नहीं है याद है सेवेंटी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बायकार्बोनेट्स के फॉर्म में प्लाज्मा में जाती है सेवन परसेंट प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाती है और ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी ट्वेंटी थ्री परसेंट आरबीसी के अंदर कार बमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता ब्लड हैज नो रोल ब्लड हैज नो रोल इन कैशियस ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है डायरेक्ट एक्सचेंज होता है टिश्यू और ट्रेक्यूल के बीच में यह याद रखना यह हो गया रेस्पिर अच्छा एक चीज और अब ऐसा थोड़ी हमेशा ऑक्सीजन आता रहे सीओ टू जाता रहे यहां पर स्पिंक्टर होता है स्पिंक्टर वो खुलता बंद होता है तो स्पिरकल्स जो होते हैं स्प्रिकल्स जो होते हैं दे आर गार्डेड बाय स्पिंग मसल रहती है हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उन मसल्स के वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है उसके अकॉर्डिंग ओपन क्लोज होता है और फिर हवा का आ, आदान प्रदान ठीक है निखिल नासिया जारा बिल्कुल क्लियर है सबको आओ एनसीआर देख ले इतने पार्ट की तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में

जी ट्वेल्थ में लूंगी उम्मीद सीरीज में इलेवेंथ अभी ऑलरेडी मैम ले रहे हैं इलेवेंथ चल ही रहा है चलिए अब आज हम आ जाते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पर सर्क्यूलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया अब हम आ गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे हम क्या क्या पढ़ते थे सबसे पहले हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है या क्लोज थैंक यू प्रियंका थैंक यू ठीक है उम्मीद में जेनेटिक्स तो हो गई आई थिंक रुपेश सर ने ऑलरेडी पढ़ा दी है मॉलिकुलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्लोज्ड टाइप का था क्योंकि हमारे में कैपिलरीज आर्टरी वेन्स बहुत वेल well डेवलप्ड होती है पर इनका ओपन टाइप का है ऑल आर्थ्रोपोट्स अगर आपको तो याद हो एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं ऑल आर्थ्रोपोट्स ओपन टाइप यानी ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होती हैं पुअरली डेवलप्ड फिर इनमें होता क्या है इनमें बड़ी बड़ी बॉडी कैविटी होती है याद है यही तो डिफरेंस है हमारा ब्लड कैपिलरी की बॉल के थ्रू टिश्यू में जाएगा पर यहाँ पे टिश्यू नहाते हैं ब्लड के अंदर बड़े बड़े साइनस होते हैं लार्ज कैविटीज होती हैं साइनसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं और डायरेक्टली टिश्यू उसके अंदर होता है याद आ रहा है आपको प्रज्ञा बॉटनी बॉटनी के अगर मेरे वन शॉट देखने हो आपको तो ई टूज इंडिया चैनल जो है ई टी डबल ओ एस ई टूज इंडिया चैनल उसमें प्लेलिस्ट पे चले जाना मैंने लास्ट ईयर थोड़ा नीचे देखना क्रैश कोर्स है मेरा उसमें वन शॉट पढ़ लेना बहुत स्टूडेंट्स उससे पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमारे सर अच्छा इसका ब्लड भी कलरलेस होगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है इसमें भी होगा हमारे में ब्लड होता है इसमें भी होगा और ब्लड वेसल्स होती है वो पुअरली डेवलप्ड है मैंने लिख दिया है अब हमारा ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है और वो आरबीसी के अंदर होता है इनमें आरबीसी भी नहीं होते प्लेटलेट्स भी नहीं होते डब्ल्यू बी सी जैसे सेल्स होते हैं यानी एक तो प्लाज्मा हो जाएगा और एक ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हीमोसाइट्स बोलते हैं हीमोसाइट्स ये डब्ल्यूबीसी की तरह है ऐसा समझ लो इवन अर्थम केचुआ आप तो अपने सिलेबस में नहीं है उसमें भी आरबीसी नहीं होते पर उसमें हीमोग्लोबिन होता है लाल खून होता है प्लाज्मा में घुला हुआ पर यहां नहीं होता यहां पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता इसीलिए इनके ब्लड का कोई रोल नहीं है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट रेक्यूल्स के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है और इसीलिए इनका कलरलेस ब्लड होता है कलरलेस ब्लड और ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं बताओ चैट बॉक्स में एनिमल किंगडम में भी पढ़ाया था किस तरह के खून को हम हीमोलिम्फ कहते हैं क्योंकि लिम्फ भी कलरलेस होता है हीमोलिम्फ कहते हैं इसका हार्ट भी हमारी तरह इतना वेल well डेवलप नहीं है आइए आपको समझाती हूं होता क्या है देखिए समझिए जैसे सपोज करो ये मैंने कॉकरोच बनाया ठीक है ये सपोज वन टू थ्री फॉर एक्स हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सपोज एबडोम हो गया होता क्या है ये एंटीने हो गए यहाँ पर आंख हो गई अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इनके बॉडी में बाहर से तो कंपार्टमेंट्स दिखते हैं अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं होता एक्चुअली अंदर ऐसे डायफ्राम होता है जैसे हमारे में डायफ्राम होता है ना ऐसे दो पार्टिशन होते हैं बस ऐसे ऐसे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है अलग अलग मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ इनके क्या नाम है वो सब नहीं बता रही हूँ यहां माउथ होगा और इधर पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल होगी इस जगह पर एलिमेंट्री कैनाल होगी यानी यहां कहीं पर जाकर फिर एनस हो जाएगा इस जगह एनस हो जाएगा इधर पर नर्व कॉर्ड होगी नर्व कॉर्ड जो अभी हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम नीचे होता है वेंट्रली होता है याद है ना वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है इनवर्टिव में हमारे में पीछे डॉर्सल होती है और यहां हार्ट होता है इधर हार्ट होता है इधर ऊपर डॉर्सली हार्ट होता है इनका हार्ट में थर्टीन चेंबर्स है कैसे याद रखोगे थ्री कंपार्टमेंट्स थे थोरैक्स के और टेन थे एबडोम के टेन प्लस थ्री थर्टीन तो ऐसा हार्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन चेंबर्ड हार्ट है थ्री प्लस टेन ऐसा याद रख लो ऐसा तो हार्ट कैसा है इसका तेरह चेंबर्स है थर्टीन चेम्बर अब हर चेंबर में दोनों साइड पर भाई चेंबर ऐसा होगा इधर भी इधर भी छेद होते हैं ऑस्टिया तो तेरा है तो तेरा जोड़ी थर्टीन पेयर ऑस्टिया होते हैं थर्टीन पेयर राइट में लेफ्ट में थर्टीन पेयर ऑस्टिया जिनके थ्रू ब्लड आएगा और यहां पर एक स्पेशल मसल रहती है दो दो कंपार्टमेंट चेंबर के जंक्शन पे इधर पे तो अगर टोटल थर्टीन है तो जंक्शन हो जाएंगे ट्वेल्व दोनों तरफ है, दोनों लेटरल साइड्स पर इन्हें एलेरी मसल्स बोलते हैं ये बारह जोड़ी हो जाएंगी पंखे जैसी पैन शेप्ड पैन शेप्ड इन्हें बोलते हैं एलेरी मसल्स एलेरी मसल्स। एक्चुअली इनका हार्ट जो है ऐसा नहीं है कि हार्ट से कोई लंग्स है जहां पर ऑक्सीजनेशन हो रहा है ब्लड का ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली यहाँ पे जो भी हीमोलिम्फ है ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल को ब्लड है वो यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया यहाँ से ऑस्टिया में गया और ऐसे आगे पुश हो गया और ऐसे करके घूमता रहता है हार्ट केवल हल्का सा एक्स्ट्रा पुश देता है ताकि ब्लड थोड़ा तेजी से फ्लो करे पर इसके हार्ट का कोई रोल नहीं है वो ऑक्सीजनेशन वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं है

एलिमेंट्री कैनाल ट्रेकिया ट्रेकिओल्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स तो इसे पेरी विसरल साइनस बोलते हैं नहीं भी याद करोगे चलेगा यहाँ नर्वस सिस्टम है तो इसे पेरी न्यूरल साइनस बोलते हैं और इसे हेड साइनस बोलते हैं सर हेड साइनस बोलते हैं ऐसे करके बड़े बड़े स्पेसेस साइनस हैं और ब्लड ऐसे इनमें भरा रहता है अच्छे से याद हो गया सबको जीविका ट्विंकल प्रांजय सैम बताइए ठीक है चल आ जाओ देखें कुछ मिस तो नहीं हुआ है फिर इसका डायग्राम भी देख लेते हैं ब्लड वेसल्स पोअरली डेवलप हीमोसील हो गया हीमोलिम्फ हो गया कलरलेस प्लाज्मा हो गया हीमोसाइट हो गया मस्कुलर हार्ट हो गया डॉर्सल हो गया फैन शेप चेंबर्स फनल शेप चेम्बर्स हो गए ऑस्टिया ऑन आईदर साइड है, है ना जोड़ी में है ये सब कुछ हो गया एलरी मसल्स देखो यहां बनी हुई है ये रही पैन शेप की एलरी मसल्स ये एलरी मसल्स एंटीरियर चेंबर को अयोटा कह देते हैं ये चेंबर्स है थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट ठीक है थीके? अच्छा डॉर्सल में भी कहां पर है जैसे अगर ये पूरा कॉकरोच है ना तो बीच में रहता है तो और अच्छा अगर बोलना है तो इसे मिड डॉर्सल कहते हैं मिड डॉर्सल सब एनसीआर में दिया और चेंबर्स कैसे हैं पनल शेप के पनल कुप्पी आकार के चेंबर्स जल्दी से नोट करिए क्वेश्चंस करेंगे ना इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल 2023 में भी क्वेश्चन आया है आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आया है हो गया नहीं उत, उत्थान सीरीज अरे तो सब टीचर्स आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं ना हम लोग हम लोग सब आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं ठीक है उत्थान में अर्चना मैम ले रहे हैं क्लासेस बिल्कुल बॉटनी में फर्स्ट क्लास कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है बढ़िया पढ़ो चल आओ अब अपन आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में काफी कुछ तो हमने अभी पढ़ ही लिया था जब हमने मालपीगियन टिब्यूल की बात की थी चलिए सबसे पहले ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं यानी यूरिकोटेलिक है यूरिकोटेलिक है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपीगियन ट्रिब्यूल है अब हम इसकी डिटेल दोबारा नहीं लिख रहे हैं मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर है हंड्रेड से वन फिफ्टी है येल्लो कलर के स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर पोटेशियम यूरेट को पिकअप करते हैं और हाइंडगट के अंदर डालते हैं यूरिक एसिड को मैं दोबारा नहीं बता रही हूं होता क्या है आ जाओ एक बार बना लेते हैं जैसे सपोज ये मिडगट है और ये हाइंडगट इलियम यानी यहां से गट शुरू हो रही है ये सपोज करो एक मालपीगियन टिब्यूल मैंने बनाया अब ध्यान से देखना मालपीगियन टिब्यूल में क्या होता है ऐसे सेल्स होते हैं बेटा ऐसे सेल्स यानी मालपीगियन टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथीलियम इसमें कैसे सेल्स हैं ग्लैंड्यूलर क्यों कह रहे हैं ध्यान से समझो ग्लैंड्यूलर क्यों कह रही हूं मैं क्योंकि ये पोटैशियम यूरेट से यूरिक एसिड बना लेंगे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं इसीलिए ग्लैंड्यूलर और सिलियेटेड है क्योंकि फिर ये उस यूरिक एसिड को आगे पुश करते जाएंगे और अल्टीमेटली हाइंड गट में डाल देंगे तो ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड है पोटेशियम यूरेट को पिकअप करते हैं ये सिलोम से पोटेशियम यूरेट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीआरटी बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर उसे हाइडगट में डाल देते हैं बिल्कुल नहीं भूलोगे ये तो मेन ऑर्गन है मेन इसके अलावा तीन ऑर्गन और होते हैं एक्सक्रीशन के लिए इसको हम एक ट्रिक से याद रख लेंगे पन पन फैट बॉडीज ये भी एक्सक्रीशन करती है नेफ्रोसाइट्स देखो नेफ्रोसाइट्स याद रखना बहुत आसान है नेफ्रो नेफ्रो का मतलब ही होता है हमारे में भी नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं यानी एक्सक्रीशन से रिलेटेड है और फैट बॉडीज भी फैट फैट मतलब वेस्ट को बाहर फेंकेंगे तो ये भी इजी है और एक यूरिकोस ग्लैंड ये सिर्फ मेल्स में होता है मशरूम ग्लैंड अभी पढ़ाऊंगी जब आपको मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ओनली इन मेल्स बाकी सब में होते हैं फीमेल मेल दोनों में ठीक है यूरिकोज ग्लैंड ये सारा एक्सक्रीशन हो गया यूरिको टेलेखे हाइंड गट के थ्रू डालते हैं क्लियर एवरीबॉडी ठीक है डेंगू एमडी डेंगू में उम्मीद सीरीज में पढ़ा दूंगी थर्ड अप्रैल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यानी ट्वेल्थ स्टार्ट हो रहा है अभी इलेवेंथ चल रहा है जुलॉजी का उम्मीद में जुलॉजी ट्वेल्थ लूंगी मैं शीतोष जेनेटिक्स अगर मेरा वन शॉट देखना है तो ईटूज इंडिया पर मेरी प्ले लिस्ट देख लेना लास्ट ईयर वाली उससे आराम से पढ़ लेना कोई चेंज नहीं हुआ है टॉपिक का वहां से आराम से कवर कर सकते हो ठीक है क्लियर है यहां बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं हम एक एक वर्ड कर रहे हैं दिस इज ऑल डन अब आइए हम आ जाते हैं इसके नर्वस सिस्टम पर नर्वस सिस्टम तो हमारे में भी डाइजेस्टिव सिस्टम फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर सर्कुलेटरी सिस्टम फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम लोकोमोटरी सिस्टम इसका कुछ ऐसा है नहीं बस वही तीन जोड़ी पैर हैं जॉइंटेड लेग्स जिनकी हम बात कर चुके हैं और अब हम आ गए नर्वस सिस्टम अब ध्यान से भी दे, सुनिएगा देखो इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है एक बार समझ लो जैसे ये थोरैक्स हो गया फिर ये एबडोम हो गया ठीक है मैंने आपसे कहा था कि यहां पे ऊपर हार्ट हो जाएगा ये ऊपर हो जाएगा ठीक है अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बना रही हूं इधर एलिमेंट्री कैनाल वगैरह आ जाएगी अब सुनो ध्यान से होता क्या है इसका नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हेड में होता है होता क्या है बेटा अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि न्यूरॉन में दो पार्ट होते हैं एक बॉडी और एक एक्सॉन सेल बॉडी के ग्रुप को गैंग्लिया बोलते हैं गैंग्लियॉन या गैंग्लिया और जो एक्सॉन का ग्रुप है वो कॉर्ड बनाता है तो होता क्या है जैसे एक गैंग्लिया इस एरिया में है सपोज इधर अब ये एक नहीं है ये तो आप साइड से देख रहे हो एक्चुअली इधर भी है और इधर भी है एक जोड़ी है और ऐसे ही एक गैंगलिया इधर भी है गैंगलिया मतलब ये सेल बॉडी का ग्रुप है उस सेल बॉडी से एग्जॉन्स भी निकलेंगे तो ये एग्जॉन्स निकले इधर से भी निकले इधर वाले भी निकले ऐसे ठीक है और इधर के भी निकले फिर गैंगलिया सेल बॉडी का ग्रुप फिर एग्जॉन फिर सेल बॉडी का ग्रुप फिर एक्सॉन फिर सेल बॉडी का ग्रुप एक्सॉन सेल बॉडी का ग्रुप एक्सॉन इसे बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन ये इसके ब्रेन के बराबर है कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होता इन्हें कोई नीट जे ही नहीं देना है पर हाँ ये ब्रेन के बराबर माना जाता है आगे जाकर जब ये और डेवलप होगा तो हमारे में ब्रेन बनता है प्राईसोफेजियल गैंगलियॉन एक जोड़ी हो गए वन पेयर ऐसे ही ये हो जाएगा इंफ्राईसोफेजियल या सब ईसोफेजियल गैंगलियॉन गैंगलियॉन और ये इनके साइड वाले लेटरल कनेक्टिव लेटरल कनेक्टिव बेसिकली बेटा कुछ भी नहीं है सेल बॉडीज हैं और उनके आपस में हैं और ऐसी रिंग बन गई है ये भी वही है गैंग्लिया एंड एक्सॉन का ग्रुप फिर गैंगलिया फिर एक्सॉन का ग्रुप इस पूरे को बोलते हैं नर्व कॉर्ड नर्व कॉर्ड नर्व कॉर्ड नर्व कॉर्ड कहां पर है अगर कोई पूछे डॉर्सल या वेंट्रल भाई हार्ट था ऊपर डॉर्सल मिड डॉर्सल ये है नीचे यानी वेंट्रल एक है सिंगल नहीं दो है ये एक्चुअली एक गैंगलिया एक गैंगलिया उसकी कनेक्टिव और उसकी कॉर्ड ऐसे इधर भी एक गैंग्लिया एक गैंग्लिया उसकी कनेक्टिव उसकी कॉर्ड तो दो कॉर्ड है आप इधर से देख रहे हो तो एक ही दिख रही है यानी ये वन पेयर है इसे डबल भी कह देते हैं डबल और ये खोखली होती है नहीं सॉलिड होती हमारे से बिल्कुल उल्टा है बेटा हमारी नर्व कॉर्ड मतलब नर्व कॉर्ड से ही हमारा ब्रेन और स्पाइनल हमारे में पीछे इनके में आगे वेंट्रल होती है हमारे में, में, में खोखली होती है उसमें सी एस एफ भरा है अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हो इसमें सॉलिड होती है और सेगमेंटेड है सेगमेंट्स में है कितने सेगमेंट्स हैं देखो वन टू थ्री तो थोरैक्स रीजन में होते हैं और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एबडोमन में होते हैं यानी थ्री थोरैक्स में होते हैं और सिक्स एबडोमन में होते हैं टोटल नाइन गैंग्लिया होते हैं नाइन गैंग्लिया और इन गैंगलिया से जो नर्व निकलेंगे न्यूरोन्स ये पूरे थोरैक्स और एबडोम को कंट्रोल करते हैं थ्री प्लस सिक्स ध्यान रखना स्पिरिकल्स दस जोड़ी हैं और ये नाइन है नाइन एक में नाइन एक में ऑफकोर्स नाइन पेयर हो जाएंगे और ये जो हेड वाला पार्ट है ना इसमें बहुत कम नर्वस सिस्टम है ये यहां पर केवल बेसिकली जो एंटीना है और कंपाउंड आई है बस उसी को कंट्रोल करता है यानी इसके हेड में ज्यादा नर्वस सिस्टम नहीं है और इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है कि अगर आपने कॉकरोच के सर को काट दिया हेड कट कर दिया तो भी वो अबाउट वन वीक सेवन डेज तक जिंदा रह सकता है क्योंकि उसका मेजर नर्वस सिस्टम बेली वाले पार्ट में है पेट वाले पार्ट में यानी नीचे वाले पार्ट में है बेली पार्ट में है मेजर नर्वस सिस्टम अगर आप देखें तो वो बेली वाले पार्ट में रॉक सिलेबस में है बिल्कुल हंड्रेड पढ़ा चुकी हूं इस प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर देख लेना बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया नर्वस सिस्टम तो ये मार्क करो अपनी एनसीआरटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हेड के अंदर थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम है बाकी पूरा का पूरा वेंट्रल यानी बेली साइड पर है इसीलिए अगर हेड को कट भी कर दिया वो एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप देख सकते हैं ठीक है ठीके? ये तो कंपाउंड आई के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं आपको ये जो ईसोफेजियल गैंग्लियन है ये सप्लाई करता है नर्व्स टू जो हेड वाली चीजें हैं यानी एंटीना एंड कंपाउंड आई ये छोटी छोटी चीजें जो हमसे मिस हो जाती हैं, एंटीना और कंपाउंड आई को यहां से मिलता है बाकी मेजर पूरी बॉडी को नर्व कॉर्ड से मिलता है सेगमेंटेड ठीक है क्लियर है अब नर्वस सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन्स की भी बात करते हैं आइए हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें बहुत ईजी है सेंस ऑर्गन्स मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी तक सूंघता किससे एंटीना से देखता किससे से आई से और वो सब झाड़ना वाडना मैग्जिलरी पैल थे लेबियल पैल थे और सुनता किससे एनल सरकाय से आ जाओ मैं यहाँ लिखी देती हूँ इसको कुछ रटना ही नहीं है ना अगर अपन ने समझ लिया अगर आपने अभी तक समझा है तो याद करने की रटने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई ये टच करता था और स्मेल करता था एंटीने से बहुत सेंसिटिव है सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज विजन के लिए थी मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प थे इनके थ्रू ही अपनी क्लीनिंग भी करता है फूड को टच भी करता है सेंस भी करता है और एनल सरकाई एनसीआरटी में नहीं दिया पर ये इसके कान है मेल फीमेल दोनों में मिलते हैं दोनों रिसेप्टर्स बस ये पांच ही तो अपन ने पढ़े थे ये लो जी सेंस ऑर्गन सो इजी ठीक है बेटा ड्रिंक कॉफ़ी इतने फूकते हो आप जीवन में स्पैमिंग करने ही आ गए हो आई एम श्योर यूट्यूब पे पेड़ स्पैमर तो हो गए नहीं आप कुछ करिए अपनी लाइफ में थैंक यू एम डी जिनेद मस्त पढ़ाते हो जिलॉजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अनिशा क्लियर है वृंदा श्वेता देवाशीष ट्विंकल क्वेश्चन कराऊंगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों कर रहे हो पहले थ्योरी तो समझो थ्योरी आ जाएगी तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे जल्दी से नोट करो फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ जाएंगे कम ऑन एवरीवन हां जी हो गया करें शुरू चल अब आ जाओ हम बात करते हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत इजी वे में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो कॉकरोच जो है ये मेल अलग है फीमेल अलग है हमारी तरह हमने देखा यानी ये यूनिसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल को क्या कहते हैं मैं कैसे पढ़ाती हूं ट्रिक भी बताती हूं डम्ब यानी डायोशियस तो दे आर डायोशियस यूनिसेक्सुअल है मेल अलग है फीमेल अलग है आर्थ्रोपोडा अगर आपको याद हो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसमें लार्वल स्टेज बनेगी और लार्वल स्टेज जब बनती है तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं डेवलपमेंट यानी इसमें लार्वा बनेगा और इसके लार्वा को क्या कहते हैं निम्फ 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 और जब निम्फ वाला लार्वा बनता है तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं पोरोटाबॉल पोरोटाबॉलस पारो से याद रख लो देवदास की पारो पोरोबॉलस डेवलपमेंट इनकम्प्लीट डेवलपमेंट अभी समझाऊंगी अभी सब बता दूंगी आपको डोंट वरी नॉक्टर्नल है रात में रिप्रोडक्शन करने आएंगे अभी हम सब देखेंगे चलिए गर्मी यहाँ स्टार्ट हो गई है डिहाइड्रेशन होने लगा है तो सब लोग प्लीज पानी हाइड्रेशन अच्छा रखो चलो शुरू करें वैभव हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप ओल्ड वाले वीडियो से थैंक यू चल अब आ जाओ पहले मेल बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले इसमें एक जोड़ी टेस्टिस है टेस्टिस अभी सब कुछ एबडोमन में है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट में एक जोड़ी हमारी तरह वन पेयर है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एबडोमन तो मैं क्या कर रही हूं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सेवेंथ एट, एट्थ नाइन्थ टेंथ ऐसा बना देती हूँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, एट्थ नाइन्थ टेंथ ठीक है ये फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स और ये एबडोमिनल सेगमेंट है एबडोम ठीक है एबडोमिनल छत तो मैं बना रही हूं सबसे पहले टेस्ट तो सपोज ये एक टेस्ट है और सपोज ये दूसरा टेस्ट है ठीक तो है तो टेस्ट कितने हैं वन पेयर कहां पर है सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स एबिनल सेगमेंट और क्या कहूं बीच में है कि साइड में है देखो जरा अरे दिखी रहा है लेटरली का काम क्या होगा वही स्पॉम्स प्रोड्यूस करना मेल गैमी बनाना अब ये स्पॉम्स जो है ये वासा डिफरेंस में आएंगे इधर है वासा डिफरेंस ये हो गई वासा डिफरेंस दोनों टेस्ट से वासा डिफरेंस निकलेंगी और स्पॉम्स जो हैं वो टेस्ट से डिफरेंस में आए हमारे में भी तो यही होता है हमारे में पहले एपिडिडाइमस होता है फिर वासा डिफरेंस होता है इनके में एपिडिडाइमस नहीं है अब यहां पर होगा सेमिनल वसाइकल सेमिनल वसाइकल तो वासा डिफरेंस स्पर्म्स जब आते हैं तो सेमिनल वसाइकल्स में स्टोर होते हैं हमारे में स्टोर नहीं होते थे सेमिनल वसाइकल में हमारे में सेमिनल वसाइकल से फ्लूड निकलता था सीमन कंट्रीब्यूट करता था तो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होगा भाई कौन से सेगमेंट में होंगे सोचो खुद ही सोचो बड़ा आसान है यहाँ पे टेस्टिस खत्म हो रहा है डायग्राम में ही दिख रहा है सिक्स सेगमेंट सेगमेंट में, में। वही एबडोम के अब यहां पे जब स्टोर होते हैं स्पर्म्स तो उन्हें खाना पीना चाहिए तो इसके चारों तरफ एक ग्लैंड होता है उसके कुछ छोटे ट्यूब्स होते हैं और कुछ लंबे ट्यूब्स होते हैं इसे मशरूम ग्लैंड या यूरिकोज ग्लैंड कहते हैं तो ये हो गया पूरा मशरूम ग्लैंड बिल्कुल इजी वे में करके पढ़ा रही हूं आपको मशरूम ग्लैंड या इसी को यूरिकोज ग्लैंड कहते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा था र, 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 एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है वही वाला ठीक है इसमें दो तरह के ट्यूब्स दिख रहे हैं एक छोटे और एक बड़े स्मॉलर टिब्यूल्स होते हैं इसके और बिगर यानी लार्जर वाले टिब्यूल्स होते हैं अब ये कहां मिलेगा देखो यहां पे सेमिनल वसाइकल है सिक्स में तो सिक्स सेगमेंट और थोड़ा सा नीचे भी आ गया है यानी इसकी लोकेशन हो गई सिक्स एंड सेवेंथ सेगमेंट कितना इजी है तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे टेस्ट है पे ही बासा डिफरेंस होगी सिक्स पे ही सेमिनल वसाइकल होगा और सिक्स सेवेंथ पे मशरूम ग्लैंड है मशरूम ग्लैंड में होता क्या है बेटा ये यह जो यहाँ पे स्पॉम स्टोर होंगे तो जो छोटे वाले टिब्यूल्स हैं वो उन्हें खाना देते हैं नरिशमेंट देते हैं एनसीआरटी में नहीं दिया है और जब ये स्पॉम्स बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे तो ये पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं स्पर्म्स पैकेट्स में आते हैं उस पैकेट को स्पर्मेटोफोर कहते हैं उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ये फर्स्ट लेयर अराउंड स्पर्मेटोफोर 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 क्या होता है स्पर्म का पैकेट होता है पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स स्पर्म्स पैकेट्स में निकलेंगे ग्रुप्स में निकलेंगे उसे स्पर्मेटो फोर कहते हैं उसके चारों तरफ एक लेयर बनाते हैं यानी छोटे टिब्यूल्स खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं बड़े टिब्यूल्स एक लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कुल मिलाकर एनसीआरटी लिखती है कि मशरूम ग्लैंड एक एसेसरी ग्लैंड है ग्लैंड है ये ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ये बात एन में लिखी है एसेसरी ग्लैंड तो टेस्टिस में फॉर्म हुए वासा डिफरेंस में आए सेमिनल वेसाइकल में आए स्टोर हुए स्मॉल टिब्यूल ने खाना दिया अब ये पैकेट जब रेडी हुए निकलने के लिए लार्जर टिब्यूल्स ने मशरूम ग्लैंड ने इसके चारों तरफ एक लेयर बनाई और अब ये डाल दिए गए इस डक्ट में बाहर जाने के लिए इसे बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट हमारे में भी तो डक्ट होती है ह्यूम में इजैक्यूलेट्री डक्ट एनसीआरटी लिखती है वासा डिफरेंस फोर स्पर्म्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वसाइकल आया समझ में और इजैकुलेटरी डक्ट फिर बाहर ओपन होगी छेद के थ्रू जहां से स्पर्म के पैकेट्स निकलेंगे इसे कहते हैं मेल गोनोपोर छेद है ये यानी मेल जिनाइटल पोर मेल जिनाइटल पोर ये जेनिटल पाउच वाला एरिया आ गया ऊपर नाइन्थ एंड टेंथ काइटन की प्लेट टर्गाइड और नीचे नाइन्थ वाली स्टर्नाइट वो एरिया है ये वही ओपन होगा जेनाइटल पाउच में ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये सेकेंड लेयर बनाती है अराउंड स्पर्मैटो को के अराउंड तीन लेयर्स बनेंगी रक्षा करनी है क्योंकि क्योंकि इसे फीमेल बॉडी तक जाना है ये सेकेंड लेयर बनाती है और जस निकलने के पहले एक और लेयर बनाने के लिए एक और ग्लैंड मौजूद है आइए उस ग्लैंड को हम बनाते हैं वो रहा ये ग्लैंड एक और यहां ग्लैंड होता है इसकी सेपरेट ओपनिंग होती है सेपरेट ओपनिंग इसे कहते हैं पैलिक ग्लैंड पैलिक ग्लैंड ये सेपरेट है पैलिक ग्लैंड बाकी सब तो अल्टीमेटली इजैकुलेटरी डक्ट में डाल रहे हैं पर ये अलग है ये थर्ड लेयर बनाती है अराउंड जस्ट इजैकुलेशन के पहले स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ तो जो स्पर्म के पैकेट्स निकलेंगे उसमें थ्री लेयर्स हैं प्रोटेक्टिव लेयर पहली लेयर मशरूम ग्लैंड ने बनाई दूसरी लेयर इजैकुलेटरी डक्ट ने बनाई और तीसरी लेयर पैलिक ग्लैंड ने बनाई और तब वो पैकेट फिर बाहर आता है आया समझ में अब इसके अलावा यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे सरकाए तो होगा ही मैं बना नहीं रही हूं पर ये मेल है तो इसमें एनल स्टाइल होगा इसके अलावा इसमें कुछ काइटन के स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग से अजीब अजीब से ये काइटन के स्ट्रक्चर्स हैं इनकी हेल्प से ये फीमेल की बॉडी के साथ जुड़ता है ऐसा समझ लो पेनिस जैसे बजाइना के अंदर इंसर्ट करता है यानी ये कॉप्यूलेट्री uh, ऑर्गन है या एक्सटर्नल जेनेटिलिया बाहर से दिखते हैं काइटिन के बने हुए हैं इन सब को मिलाकर कहते हैं गोनेपो पाइसिस या फैलोमियर्स फैलोमियर्स ये भी इस जेनाइटल पाउच वाले एरिया में ही खुलते हैं सब क्या क्या है इसके अंदर एनल स्टाइल इसी का पार्ट है फिर एक सूडो पेनिस होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना सूडो पेनिस कहते हैं एक को टेंटी लेटर कहते हैं एक को राइट फैलोमियर लेफ्ट फैलोमियर वेंट्रल फैलोमियर ऐसे नाम देते हैं बेसिकली ये सब काइटिन के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं और जो मेल फ्रॉक को फीमेल फ्रॉक से कॉप्यूलेशन में हेल्प करते हैं काइटिनस हैं एक्सटर्नल जेनिटीलिया हैं, कॉप्यूलेट्री हैं। ये सब इस जेनाइटल पाउच वाले नीचे वाले एरिया में थैंक यू तुषार आ रहा है सबको समझ में सारे वर्ड्स एक बार चेक करो करो दिमाग में दोबारा से रिवाइज करो मशरूम ग्लैंड सेवन सेगमेंट में है टेस्टिस फोर्थ फिफ्थ सिक्स में है सेमिनल वसाइकल है जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं स्पर्मेटोफोर पैकेट बनता है हो गया सबका नेहा मक्खन क्लियर बैसाखी क्रिस्टल क्लियर हेवन किंग ट्विंकल जीविका कोई डाउट नहीं याद हो जाएगा चल आओ एनसीआरटी का डायग्राम देखते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया एवरीथिंग आ जाओ देखते हैं देखिए सबसे पहले फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेगमेंट में वन पेयर टेस्टिस जहां पे स्पॉर्म्स प्रोड्यूस होंगे ये हो गई दोनों की दो वासा डिफरेंस डिफरेंस नहीं दिख रहा पर सबसे अंदर होगा एक्चुअली सेमिनल उसके चारों तरफ छोटे ट्यूब्स छोटे ट्यूब्स के चारों तरफ बड़े ट्यूब्स यानी ये पूरा का पूरा है मशरूम ग्लैंड स्मॉल एंड लार्ज टिब्यूब ये हो गया मशरूम ग्लैंड अल्टीमेटली ये रही इजैकुलेटरी डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट यहां पर आएगा मेल गोनोपोर जो बनाया नहीं है और ये रहा अलग से फैलिक ग्लैंड जिसकी सेपरेट ओपनिंग है ये थर्ड लेयर बनाता है फैलिक ग्लैंड और ये जो काइटिन की प्लेट्स दिख रही हैं आपको जिसमें कॉर्डल या एनल स्टाइल आ गया सूडोपेनिस हो गया टेंटिलेटर हो गया राइट लेफ्ट एंड वेंट्रल फैलोमियर हो गए इन सबको मिलाकर कहते हैं गोनेपोफाइसिस या फैलोमियर टाइटन की प्लेट्स हैं कॉप्युलेशन में हेल्प करेंगी इसका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में ये मेल फीमेल दोनों में है इन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि इस एरिया में दिखता है इसीलिए बिल्कुल क्लियर हो गया ठीक है चलिए अब आ जाओ हम पहले फीमेल सिस्टम समझते हैं अब मैं आपको ना एक लाइन यहां कंप्लीट कराती हूं जो मैंने आपसे कहा था मैं बाद में समझाऊंगी देखो मेल इटल पाउच ऊपर नाइन्थ एंड टेंथ टर्गाइट है और नीचे नाइन्थ स्टर्नाइट है इससे बनता है यहां क्या क्या खुलेगा यहां देखो एक तो वो छेद खुलेगा जो इजैकुलेटरी डक्ट का है जिससे स्पर्म के पैकेट आ रहे हैं यानी मेल गोनोपोर मेल जेनाइटल पोर मेल जेनाइटल पोर ठीक है वेरी गुड और क्या दिखेगा यहां पे वो काइटिन वाले स्ट्रक्चर यानी गोनेपोफाइसिस गोनेपोफाइसिस और कौन सा छेद खुलेगा भाई मेल्स में एनस भी तो होगा इस बात को समझो बेटा इस बात को समझो कुछ भी नहीं रटना है देखो समझो इस डायग्राम में समझाते भाई नर्वस सिस्टम यहां है हार्ट यहां है यहां पर एलिमेंट्री कैनाल रही होगी जिसका छेद होगा एनस और इधर ही फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेगमेंट में मेल में टेस्ट होगा फिर करते करते जैकुलेटरी डक्ट होगा और फिर मेल गोनोपोर होगा तो ये एनस होगा एलिमेंट्री कैनाल का फाइनल छेद और इधर पर ये मेल जिनाइटल पोर होगा या मेल गोनोपोर होगा मेल के अंदर और फिर यहां पर वो सारे गोनेपोफाइसिस एनल स्टाइल वो वो सब सूडोपेनस वगैरह होंगे तो जिनाइटल पाउच में क्या क्या खुल रहा है एनस मेल जेनाइटल पोर एंड गोने इसमें से ऊपर क्या है एनस डोरसल थोड़ा सा एनस ऊपर है एलिमेंट्री कैनाल ऊपर होती है टेस्टिस वगैरह थोड़ा नीचे आएगा यानी ये वेंट्रल है ये डॉर्सल है अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो ये वेंट्रल है वेंट्रल क्या है थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या है मेल जेनाइटल पोर और ऊपर की तरफ क्या है एनस सो दिस इज वेंट्रल And anus is dorsal. ये वो हैं जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती पर मेरे हर स्टूडेंट की अब्स पर हो जाएगी dorsal anus, ventral male genital pore and is a Very very clear genital pouch. नाइन tenth tergite ninth sternite और इसमें क्या क्या खुलेगा ठीक है दीपांशु besakhi ट्विंकल समीर थैंक यू यू हैव फॉलोड माई ओल्ड वीडियोज एंड लर्न अ लॉट थैंक यू थैंक यू आई एम हैप्पी टू हेयर दिस चलिए अब आइए हम मेल नहीं आगे बढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं बस थोड़ा सा चैप्टर और बचा है ऑलमोस्ट कम्प्लीट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो क्लास में सब कुछ लिखवाना सारे डायग्राम्स बनाना आपको क्लास में समझाना कोशिश करके क्लास में याद कराना थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना केवल एनसीआरटी रीडिंग थोड़ी करा देनी है मुझे उससे ना याद नहीं होता कुछ से हुआ चलिए अब यहां पर ओवरी से कहानी शुरू होगी वही एक जोड़ी ओवरीज ओवरीज भी एब्डोमेन में है सेकंड से सिक्स्थ सेगमेंट तक टेस्टिस है फोर्थ से सिक्स्थ ओवरी है सेकंड से सिक्स्थ टेस्टिस है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ओवरी है सेकंड से सिक्स्थ तो मैं सेकंड से बनाना शुरू करती हूं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ सपोज थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टें ठीक है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ठीक है एबडोमिनल सेगमेंट एबडामिनल सेगमेंट दो ओवरीज हैं आइए बनाते हैं ये हो गई एक ओवरी ये हो गई दूसरी ओवरी तो सबसे पहले जैसे मेल्स में टेस्टिस है यहां पर है कितनी है वही दो यानी एक जोड़ी वही लेटरली टेस्टिस की तरह टेस्टिस फोर्थ से सिक्स है ये सेकेंड से सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट काम वही होगा वहां स्पॉम्स बने थे ये अंडे बनाएंगी प्रोड्यूस ओवर अब ध्यान से सुनो हर ओवरी के अंदर आठ ट्यूब्स होते हैं आठ अभी चार दिख रहे हैं चार पीछे होंगे यानी इसमें एट ओवारियोल्स होते हैं टिब्यूल होते हैं ऐसा समझ लो एक्चुअली हर टिब्यूल में एक अंडा बनता है तो एक ओवरी से आठ अंडे बनते हैं एक बार में और दोनों ओवरी से मिला के सोलह सिक्सटीन अंडे बनते हैं अब ओवरी से अपने में भी फैलोक्न ट्यूब निकलता है जिसे हम ओवी डक्ट भी कहते हैं तो यहां पर भी ओवी डक्ट ओवरी ओवरी से निकली ओवी डक्ट। अब यहां कोई यूट्रस नहीं होता लेकिन वेजाइना होती है बड़ा ध्यान से सुनना ये वेजाइना है आप कहोगे मैम वेजाइना तो बाहर होनी चाहिए इनके अंदर वेजाइना मतलब कॉप्यूलेटरी ऑर्गन नहीं है इनके अंदर वेजाइना जो है ये किसे बोलते हैं ध्यान से समझो जहां दोनों ओवीडक्ट्स मिल गई और एक सिंगल बड़ा सा चेम्बर बन गया उसे ही वेजाइना बोलते हैं तो वेजाइना क्या है मीडियन ओविडक्ट, जहां दोनों ओविडक्ट फ्यूज हो गई बस उसे ही वेजाइना कह देते हैं ठीक है तो जो एग है वो ओवरी में बना ओविडक्ट में आया और फिर मीडियन चेम्बर में आ गया मीडियन चेम्बर में जिसे वेजाइना कहते हैं अब एक्चुअली इसी जगह पे स्पर्मा थीका भी है अब आप कहोगे मैम ये स्पर्मा थीका क्या है दो स्पर्मा थीका है स्पर्मा थीका अगर आपने कभी अर्थवम पढ़ा हो उसमें भी होते हैं वहीं पर मेल कॉकरोच अपने स्पर्म्स जो पैकेट है स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट करता है तो वो कहाँ होगा इसी सिक्स्थ सेगमेंट में इसी सिक्स्थ सेगमेंट पे स्पर्मा थीका है तो जब मेल कॉकरो जो फीमेल कॉकरोच के साथ कॉप्युलेशन करेगा तो वो अपने पैकेट्स को इस स्पर्मा थीका के अंदर डाल देगा स्पर्म के पैकेट्स को तो ये भी वन पेयर है एनसीईआरटी में इनका सेगमेंट लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ एबडोमिनल सेगमेंट में है और स्टोर करते हैं पैकेट्स ऑफ स्पर्म यानी स्पर्मेटोफोर्स अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पार्ट है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता स्पर्म यहां स्टोर्ड है पैकेट्स के फॉर्म में स्पर्माथीका थीका में और एग ओवरी ओविडक और बेजाइना में आ गया है मेल गैमिट भी आ गया है फीमेल गैमिट भी आ गया है अब इन दोनों को अब इन दोनों को यहां डाल दिया जाता है ये क्या है ये जेनाइटल चेम्बर है यहां वेजाइना में छेद है जिसके थ्रू ये सब डाला जाएगा इसे कहते हैं फीमेल जेनाइटल पोर या फीमेल गोनोपोर तो बेटा ध्यान से सुनो यहां नहीं है फीमेल जेनाइटल पोर मेल जेनाइटल पोर एंड में था फीमेल जेनाइटल पोर ये वजाइना की ओपनिंग है जहां से अंडे डाले जाएंगे अब यहां पर अंडे डाल दिए गए यहीं पर स्पर्म डाल दिए गए यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा जेनाइटल चेंबर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा पर होता क्या है जेनाइटल चेंबर के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया अब यहां पर ऐसे काइटिन की प्लेट्स होती हैं काइटिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं गोनेपोफाइसिस आप कहोगे मैम ये तो अभी मेल्स में भी थे बिल्कुल थे ये काइटिन के बने हुए हैं काइटिनस लेकिन वहां मेल में ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ थे जो फीमेल से अटैच होने में हेल्प करते थे कॉप्युलेशन में यहां वो काम नहीं है इनका काम ये है कि मान लो मैक्सिमम 16 अंडे आए तो एट अ टाइम 16 स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे यानी 16 जायोट बनेंगे उन्हें फटाफट से ये दो रोज में अरेंज कर देता है ये क्या करता है इट अरेंज फर्टिलाइज एग्स फर्टिलाइजेशन हो गया है फर्टिलाइजेशन एग्ड फर्टिलाइज एग्स इन टू रोज ऑफ एट ईच मतलब आठ अंडे ये और आठ ये ये फटाफट से अरेंज कर दिया तो गोनेपोफाइसिस मेल में भी है पर वहां पर एक्सटर्नल जेनिटीलिया बाहर से दिखता है काइटिन के स्ट्रक्चर है जिसमें एनल स्टाइल पैलोमियर सूडोपेनिस टिंटिलेटर आता है वो जेनाइटल पाउच में ओपन हो रहे हैं ये भी जेनाइटल पाउच में ही है ये पूरा जेनाइटल चेम्बर ही है लेकिन ये फर्टिलाइज अंडो को टू रोज में अरेन्ज करते हैं अब यहीं पर मशरूम जैसे दो ग्लैंड होते हैं मशरूम की तरह दो ग्लैंड होते हैं एक इधर ये भी जेनाइटल चेंबर में ही ओपन हो रहे हैं ऐसे ये ग्लैंड है यानी कुछ बनाएगा इसे बोलते हैं को ग्लैंड कोलैटेरियल ग्लैंड को एक राइट है एक लेफ्ट है एक जोड़ी है वन पेयर ये क्या करते हैं ये जो फर्टिलाइज अंडों को अरेंज करा है इनके चारों तरफ एक कवरिंग बना देते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अब इस स्ट्रक्चर को ऊथीका कहने लगते हैं यानी इस जगह पर अब एक्चुअली ऊथीका मिलेंगी जिनके अंदर सोलह फर्टिलाइज अंडे हैं मैक्सिमम 16 eggs, 16 स्पर्म्स, 16 जाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड एग उन्हें टू रोज में अरेंज किया और उनके चारों तरफ इस कोलियल ग्लैंड ने वॉल सिक्रीट कर दी सिक्रीट बॉल ऑफ पूथी का और ये सब कुछ कहां हो रहा है इसी जेनाइटल चेंबर में हो रहा है आ रहा है समझ में आ रहा है एक, -एक वर्ड समझ में आ रहा है एक्चुअली ये जो अपर पार्ट है इसे जेनाइटल चेंबर कह दिया इसमें क्या क्या ओपन हो रहा है अभी देखेंगे और थोड़ा सा जो नीचे वाला पार्ट है जहां ऊथिका बन गई है इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं पूरे को मिलाकर जेनाइटल पाउच कह देते हैं ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है मोटे मोटे तौर तो पे तो अपन बोल देते हैं कि ये पूरा ही जेनाइटल चेंबर है और अच्छे से अगर बोलना है तो ऊपर वाला पार्ट चेम्बर है नीचे वाला वेस्टिब्यूल है पूरा मिला के जेनाइटल पाउच है तो इस जेनाइटल चेम्बर में पोलैटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग है गोनेपोफाइसिस है और फीमेल जेनाइटल पोर है और यहीं पर एनस भी आएगा ऊपर डॉर्सली जो जैसे मेल्स में हो रहा था ऊपर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ओपनिंग भी होगी ठीक है अब क्या होता है ये ऊ का जो बनती है ये थोड़ी लाल ब्राउनिश की होती है थ्री बाय एट से लेकर एट आई थिंक एक मिनट मैं चेक करती हूं मिलीमीटर है या एक बार मुझे याद करने दो एक बार देख लेते हैं अपन कुछ गलती नहीं होनी चाहिए एम एम ए मिलीमीटर मिलीमीटर तो ऊ थीका जो है ऊ थीका जो बनी है जिसमें फर्टिलाइज्ड अंडे हैं ये थ्री बाई एट से लेकर एट मिलीमीटर mm तक होती है और डार्क रेडिश से लेके रेडिश ब्राउन लेट मी सी कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूं मैं एक भी वर्ड गड़बड़ नहीं होना चाहिए थ्री बाई एट इंच है ब्लैकिश ब्राउन एक सेकेंड एक सेकेंड यस थ्री बाय एट इंच यानी एट मिलीमीटर रेडिश डार्क रेड से लेके ब्लैकिश ब्राउन मतलब एकदम डार्क रेड या ब्राउन काला सा होता है हर ऊथिका के अंदर 16 मैक्सिमम फर्टिलाइज्ड एग्स हो सकते हैं ठीक है थीके? इतना समझ आया चलो पहले एक बार ये दिखाती हूं आपको फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे ये देखो एनसीआरटी का डायग्राम अब सब कुछ समझ में आएगा ये ओवरी है एक एक ओवरी में एट एट ओवर हैं। है ये ओवी डक्ट है हमारी पैलोपियन ट्यूब के बराबर ये कॉमन चेम्बर जब बना कॉमन ओवी डक्ट, जिसे वेजाइना कहते हैं यहीं पर दो यानी एक जोड़ी स्पर्मा थीका है जिसमें स्पर्म्स आ गए तो बजायना में एग आ गए स्पर्मा थीका में स्पर्म आ गए अब इन दोनों को यहां डाल दिया जाएगा ये पूरा जेनाइटल पाउच है ऊपर वाले हिस्से को जेनाइटल चेम्बर कहते हैं नीचे वाले पार्ट को वेस्टिब्यूलम कहते हैं इसी जेनाइटल चेम्बर में ये गोनेपोफाइसिस हैं जो इन्हें टू रोज में अरेंज करेंगे और यहीं पर ये यह मशरूम जैसे राइट एंड लेफ्ट कोलैटेरियल ग्लैंड हैं को लेटेरियल ग्लैंड गोनेपोफाइसिस फीमेल जेनाइटल पोर ये सब कुछ जेनाइटल चेम्बर में ही है और यहीं पर ऊ बनके बन के रेडी हो जाएगी रेडी हो जाएगी ठीक है अब इसके बाद में जब ये रेडी हो जाएगी तब फीमेल कॉकरोच इस उथिका को ऐसी जगह छोड़ आएगी जहां थोड़े थोड़े क्रैक्स हैं ताकि थोड़ी ठंडक रहे और आसपास थोड़ी ह्यूमिडिटी नमी होनी चाहिए ताकि ड्राइनेस ना हो और खाने का सोर्स होना चाहिए खाने का सोर्स क्यों होना चाहिए ताकि जब डेवलपमेंट के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग्स अंडे हैच आउट करेंगे तो इमिडिएटली जब ये बाहर आएंगे कॉकरोचेस तो इन्हें खाना मिल जाए तो अब ये उन्हें ऐसे क्रैक्स में छोड़ आएगी जहां हाई ह्यूमिडिटी है और पास में खाने का सोर्स है एक जिंदगी में एक फीमेल कॉकरोच नौ से दस उथिका प्रोड्यूस करती है इंपॉर्टेंट है और हर उथिका में मैक्सिमम सोलह एवरेज माने तो चौदह से सोलह अंडे होते हैं फर्टिलाइज एग्स होते हैं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है पर ऊ बॉडी के बाहर डाल दी गई है और अंदर उसके डेवलपमेंट होगा पोरोटाबोल डेवेलपमेंट पोरोमेटाबॉल यानी अब धीरे धीरे मोल्टिंग्स होंगी डेवलपमेंट होगा बेटा मोल्टिंग को ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बस इतना समझ लो जैसे मान लो अभी एक फर्स्ट लार्वल स्टेज बनी निम्फ इसके चारों तरफ काइटिन की प्लेट्स बन गई अब ये बड़ा हुआ डेवलप हुआ तो वो खोल छूटेगा वो मोल्टिंग मतलब वो अपना जो काइटिन की एक्सोस्केलेटन है उसे शेड ऑफ करेगा हटाएगा इसे मोल्टिंग बोलते हैं जैसे सांप के छोड़ता है और फिर वो बड़ा हो गया है अब फिर उसके अराउंड बड़ी खोल बनेगी ऐसे करके थर्टीन तेरा बार मोल्टिंग होती है थर्टीन मोल्टिंग थर्टीन टाइम्स एक साल लग जाता है ऑलमोस्ट इसीलिए इसे धीरे धीरे डेवलपमेंट बोलते हैं यानी पोरोस डेवलपमेंट हमने पहले ही लिख लिया था यानी होता क्या है एग एग से निम्पल स्टेजेस बनेंगी फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज ऐसे बनती जाएंगी मोल्टिंग्स होती जाएंगी थर्टीन मोल्टिंग्स होंगी और तब जाकर अडल्ट बनेगा अडल्ट कॉकरोच बनेगा अडल्ट थर्टीन मोल्टिंग्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप कैसे पहचानोगे कि अडल्ट बन गया कि नहीं बन गया एक्चुअली विंग्स केवल अडल्ट में होंगे इवन अगर आप अडल्ट के ठीक पहले वाली स्टेज देखोगे बारह मोल्टिंग्स हो गई है ऑलमोस्ट अडल्ट जैसा दिख रहा है विंग बन जाते हैं, पर उसमें से विंग्स नहीं निकलते हैं तो विंग्स केवल यहां पर मिलेंगे विंग्स प्रेजेंट विंग्स प्रेजेंट जो लास्ट निम्फल स्टेज है आखिरी वाली पर है अभी भी निम्फ अभी मेच्योर नहीं माना जाएगा उसके अंदर विंग पैड्स तो मिल जाएंगे आपको तो, यानी जहां पर विंग्स बनने हैं वो एरिया मिल जाएगा पर विंग्स नहीं मिलेंगे विंग्स नहीं मिलेंगे विंग्स तभी मिलेंगे जब फाइनल थर्टींथ मोल्टिंग होगी तब हम कहेंगे ये कॉकरोच अडल्ट हो गया है मेच्योर हो गया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड समझ में आया नौ से दस ऊथी का चौदह से सोलह अंडे क्यों हैं आप कभी नहीं भूलोगे और थर्टीन मोल्टिंग्स अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसमें हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अब आइए हम इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं कि फीमेल जेनाइटल पाउच में क्या क्या ओपन होता है जो हमने यहां पर छोड़ा था फीमेल जेनाइटल पाउच किस एरिए में है जिसमें से ऐसी लंबी जैसी हो गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या खुलेगा आप बताओ क्या क्या खुलेगा तो आप कहोगे मैम एक तो इसमें वेजाइना की ओपनिंग यानी फीमेल जेनाइटल पोर ओपन होगा जिसके थ्रू अंडे पहुंचेंगे बिल्कुल परफेक्ट दूसरा स्पर्माथिका के पोर ओपन होगा जिसके थ्रू स्पर्म्स यहां पर पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा बिल्कुल परफेक्ट इसके अलावा यहां पे कोलैटेरियल ग्लैंड भी ओपन होंगे गोनेपोफाइसिस क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है और यहां पर हम ओपनिंग्स की बात हैं क्या क्या चीज खुलती है ये देखिए फीमेल गोनोपोर स्पर्माथिकल पोर, स्पर्मा पोर एंड कोलैटेरियल के आपसे यही कहा था ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी पहले आपको कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी फिर आपको यू चुटकियों में याद हो जाएगा क्लियर हुआ सबको सो so, मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों इसी के साथ हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटमी कंप्लीट कर ली है अब एक छोटा सा लास्ट पैराग्राफ क्योंकि हम जनरली लास्ट पैराग्राफ को छोड़ देते हैं पर वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि बहुत सारे कॉकरोच जंगली हैं और कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है इनसे कोई फायदा नहीं होता मतलब कोई पैसे नहीं कमाए जा सकते हाँ बहुत सारे ह्यूमन हैबिटेट के आसपास हमारे घरों के आसपास भी रहते हैं ये पेस्ट है हमने शुरू में भी देखा था ये बहुत सारी बीमारियां जो है उसे करते हैं और इनके एक्सक्रीटा वेस्ट के कारण हमारा खाना वाना सब खराब हो जाता है इनफैक्ट कई सारी बैक्टीरियल डिजीजेस भी ये कर सकते हैं इसे वायरल कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा खाना खराब करके बिल्कुल वैसे ही जैसे मक्खियां करती हैं फ्लाइज करती हैं मजे आ गए सबको तो जल्दी से मुझे येस या थम्स अप दे दो और अब आइए हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो हमने सबसे पहले कहानी शुरू की इसके आए, आधार कार्ड से टैक्सोनॉमी से इसका कलर इसका साइज और फिर हमने बात की है अमेरिकाना की उसकी मॉर्फोलॉजी हेड थोरैक्स, थोर एक एक लाइन एनसीआरटी की कवर की है लाइन बाय लाइन एक एक डायग्राम एक एक लेबलिंग और फिर उसकी एनाटमी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी एक सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजे आ गए स्टूडेंट्स फ्रॉग पढ़ा चुकी हूँ अभी ऑलरेडी मैं पूरा ज़ुलॉजी सीरीज में कंप्लीट कर चुकी हूँ प्ले में सारे लेक्चर्स हैं बस एक कॉकरोच रह गया था क्योंकि उस समय एन से हटा दिया था करिए ट्राई एवरी आई थिंक पोल चलेगा क्या आपका हाँ चलेगा चलिए पोल आइए देखते हैं कमऑन एवरीबडी टू 2022 का ही क्वेश्चन है काफी रिसेंट क्वेश्चन है टेगमिना अराइजेस फ्रॉम अब थोड़ा सा लो, मतलब आगे वाला विंग था दो विंग एक हाइंड तो होती है वहां से विंग नहीं निकलता मीजो से निकलता है हाइंड ये निकलेगा मीजोथोरैक्स सेवन परसेंट ने सही दिया है और सबसे पहले सही दिया है बहुत बढ़िया वतन हमजा वेरी गुड आइए 2021 का क्वेश्चन देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है अभी 2023 का क्वेश्चन भी कराऊंगी 22 का करा दिया एक क्वेश्चन 21 का करा दिया एक क्वेश्चन करिए ट्राई कम ऑन एवरीबडी मैं टाइम दे रही हूँ बस 10 मिनट और लगेंगे

डी फॉर डेली आइए केवल एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया वृंदा ने भाई? बेटा फॉल्स पूछा है false. 7th, 8th, 9th, से तो बनता है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन गड़बड़ हो गया चलिए आइए ट्वेंटी ट्वेंटी देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है हर साल क्वेश्चन आ रहा है दो हजार तेईस और 2020 हर साल क्वेश्चन आ रहा है मुस्कान क्या हो गया ये मोए 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 इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे स्टिल लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज हेड के अंदर थोड़ा सा ही है बाकी सब वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में है यानी बेली पोर्शन के अंदर है आंसर देखें 87 परसेंट ने ऑलमोस्ट सही दिया है विटामिन चाहे, चाहे क्या वेरी गुड देवेश राजीव वेल डन आइए 2020 में जब कोविड वाला पेपर हुआ था तब भी आया है हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है एक साल इसमें से ज्यादा क्वेश्चन भी आए थे तो यू नेवर नो हो सकता है 2024 में ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए करिए ट्राई फोरगट के पार्ट्स का सीक्वेंस बताना है सबसे पहले माउथ माउथ के बाद पैरिंग्स पैरिंग्स के बाद इसोफेगस इसोफेगस के बाद क्रॉप क्रॉप के बाद गिजार्ड तो माउथ के बाद पैरिंग्स पैरिंग्स के बाद इसोफेगस फिर क्रॉप फिर गिजार्ड ये तो मेरे सभी नादान परिंदों ने पूरा सही दे दिया होगा 77 परसेंट ने सही दिया बहुत बढ़िया सबसे पहले विचामिन भावेश देवेश हमजा सायका नैन्सी वेरी गुड ये देखिए कोविड वाले टाइम पर एक और क्वेश्चन भी आया था यहां से एनल स्टाइल नाइन्थ से निकलता है एनल सरकाई टेंथ में होता है रश्मि पर एनल स्टाइल नाइन्थ सेगमेंट एनसीआरटी में नहीं दिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एनल सरकारी टेंथ सेगमेंट दिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करिए मैच द कॉलम मैच द कॉलम में वही टेक्निक लगाएंगे ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग के लिए क्या है प्रो वेंट्रिकुल थ्री होगा खेल खत्म पैसा हजम टैंग ये गैस्ट्रिक हिपैटिक सी की टेन पेयर स्पेिकल हो जाएंगे और एनल सरकाई टेन सेगमेंट में हो जाएगा बट एनी हमारा आंसर तो एक झटके में आ गया सेवेंटी वन परसेंट ने सही दिया देवेश हमजा ट्विंकल नेहा वृंदा आकृति बहुत बढ़िया ये लीजिए 2019 में रिपीट पी क्यू 2019 में भी आया है 21 में भी आया है देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया और क्या चाहिए जिंदगी में सत्येंद्र आपकी वजह से बॉटनी बायो में 360 में से 360 आ रहे। क्या बात है वेल डन गॉड ब्लेस यू सब लोग पॉजिटिव होके पढ़ो देखो मैं एक ही सलाह दूंगी एक जगह से पढ़ो एक चैप्टर के लिए एक टीचर एक सीरीज फाइनलाइज करो वहीं से पढ़ो वहीं से बार बार रिवाइज करो दस जगह से मत पढ़िए सब बेस्ट हैं जिनसे आपके दिल के तार मिलते हैं जहां से पढ़ के मजे आते हैं वहां से पढ़ो पर एक जगह से पढ़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए सो so, यहां माउथ नहीं दिया पैरिंग्स है पैरिंग्स के बाद ईसो पेगस है ईसो वेगस के बाद पहले क्रॉप आएगा फिर गिजार्ट फिर इलियम कोलॉन रेक्टम यहाँ हाइनगढ़ भी इंक्लूड कर दिया हाइनगट भी इंक्लूड कर दिया 85 परसेंट ने सही दिया विटामिन हमजा जामिता भावेश बहुत बढ़िया चलो ये लो जी 2018 में फिर आ गया लगातार क्वेश्चन आ रहा है 2023, 2022, 2021, 2020 उसका कोविड वाला पेपर 2019, 2018 हर साल क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच ये तो आप यू बताओगे यू झटके में वोट शेप स्टर्नम होती है पर नाइन्थ नहीं सेवेंथ होती है वो भी फीमेल में होती है फोर विंग्स दोनों के सेम होते हैं एनल सरकाई दोनों में सेम होता है स्टाइल में रहने का हर स्टाइल में रहने का एटी फोर परसेंट ने सही दिया है ऑलमोस्ट कार्टून एनिमेशन अनीशा हमजा अवंतिका बहुत बढ़िया ये लीजिए 2016 हजार बन रहे क्वेश्चन ठीक है ंग देवेश हमजा प्रशांत एवरी वन ट्विंकल प्लेलिस्ट देख लेना आप उसमें पूरी जुलॉजी कवर किए मैंने एनसीआर टी लाइन बाय लाइन इनफ है सफिश है बस उसे अच्छे से कर लो बॉटनी के वन शॉट्स मेरे मिल ई टूज इंडिया की प्ले लिस्ट में ई टूज इंडिया चैनल उम्मीद सीरीज थर्ड अप्रैल से ट्वेल्थ का जुलॉजी मैं कराऊंगी मेल कॉकरोच में स्पर्म्स कहां पर स्टोर्ड होते हैं अब मेल में पूछ रहे हैं सेमिनल वसाइकल में फीमेल के अंदर वो डिपॉजिट करते हैं स्पर्मा थीका में अगर स्पर्मा थीका भी होता तो भी सेमिनल होता, क्योंकि फीमेल में होती है स्पर्मा थीका। बट खैर तो कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है एटी सिक्स परसेंट ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया चलिए दो हजार सोलह फिर से एक और क्वेश्चन हर साल ठीक है रंजन सिस्टमैटिकली पढ़ो एक दिन पहले प्लान करो अगले दिन क्या पढ़ना है प्लानर के अकॉर्डिंग पढ़ो रैंडमली मत पढ़ो अपने दिमाग में डिसाइड करो क्या चीज़ किस सीरीज से पढ़नी है हर सीरीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है जैसे अगर आपका ट्वेल्थ जोलॉजी रिवाइज हो चुका है तो मुझे भी देखने की जरूरत नहीं है आपको उम्मीद में दोबारा से जिस चैप्टर में कंफ्यूजन है कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है उतना देख लिया बस अपन ने दस सीरीज इसलिए चल रही है ताकि जिसको जहां अटकाव है वहां हम हेल्प कर सके हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है जैसे अगर बुफे है तो अपन ऐसा थोड़ी करेंगे सब कुछ खा ले पेट तो अपना है बीमार तो अपन होंगे फ्री का खाना है तो क्या होगा चलिए नॉट प्रेजेंट मतलब फॉल्स बताना है नाउ शाइजोसिलोम होती है एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है एन एसिटाइल अमीन ये भी होता है ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है एनिमल किंगडम इसमें स्पाइरल क्लीवेज होता है आप नोट्स में एड कर लेना और डिटर्मिनेट एंड स्पाइरल क्लीवेज ये मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं आप वैसे भी आंसर लगा सकते थे क्योंकि वन थ्री एंड फोर आपको पता है बिल्कुल ट्रू है ओ विवेक ने सही दिया है अवंतिका अनिश अंशिका एंड मोहम्मद ने बेटा ये तो एनिमल किंगडम में पढ़ते हो आप ये कैसे गलत कर सकते हो आपके एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है ये एंटेरोलोम लास्ट के थ्री में होती है काइनोडोमेटा हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा बाकी में ये शाइजोसिलोम ही होती है चलिए 2015 का क्वेश्चन करिए ट्राई करिए आई थिंक एक दो क्वेश्चन और बचे हैं बस दो तीन और हैं अवंतिका सही दिया था आपने गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए मोए मोए करने का नीट में कोई स्कोप नहीं है अभी टाइम है अच्छे से पढो पढो पर हर हर चीज़ पढ़ने लग जाओ जगह से आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर कहाँ से पढ़ूंगा ये टॉपिक कहाँ से पढ़ूंगा बस वहीं से पढ़ना है और बार 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 रिवाइज करना है याद रखो सफलता एक बार में नहीं मिलती पर एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है बार बार रिवाइज करने से अरे ये क्या पूछ लिया ये तो हम 90 परसेंट के ऊपर लेकर आएंगे ओ, विटामिन देवेश अनिशा राजीव सोनक एवरीबडी बहुत बढ़िया चलिए 2015 का एक और क्वेश्चन करिए ट्राई पीडब्ल्यू के ऐप पर जाएंगे आप वहां पर एनसीआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज बैच ओपन करेंगे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर कर लेना वहां पर अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं सारे चैप्टर्स के पीडीएफ और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा वेस्ट बेस्ट में किस फॉर्म में डालते हैं ये आउट ऑफ एनसीआरटी दो हजार में पूछा गया क्वेश्चन है पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में पर घबराओ मत ऐसा मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है वो भी जरूरी नहीं आए और आ भी गया तो उससे सिलेक्शन नहीं रुकता डोंट वरी 88 परसेंट ने सही दिया है कार्टून भावेश जीविका एवरीबडी चलिए 2013 का एक क्वेश्चन 14 में नहीं आया हो सकता है 24 में भी ना आए अरे हम तो चाहते हैं आए अब तो हमने पढ़ लिया है करिए ट्राई करिए एवरीवन बस इसके बाद दो क्वेश्चंस और हैं जस्ट टू मोर क्वेश्चंस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमेशा करेक्ट इन करेक्ट जरूर देख लिया करो मालपीगियन टिब्यूल नाइट्रोजनस को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं हाँ, है. नर्वस सिस्टम में नीचे वेंट्रल है और उसमें टेन नहीं नाइन होते हैं थ्री इन दी एंड सिक्स इन दी एबन और फोर विंग्स टेगमिना है बट फ्लाइट में हाइंड विंग्स यूज होते हैं आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन टू सिक्सटी वन सिक्सटी टू ने ऑलमोस्ट सही दिया है विवेक विटामिन ट्विंकल देव राजीव वेरी गुड एवरीबडी चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बस फिर एक क्वेश्चन और 2013 में दो क्वेश्चन आए देखो यू नेवर नो किस साल कितने क्वेश्चन आ जाएंगे ठीक है मासूम राणा विवेक ट्विंकल सौनक भावेश व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट लास्ट मोल्ड के पहले तक यानी लास्ट निम्फल स्टेज में विंग पैड बन जाता है पर विंग्स नहीं बनते विंग तो आखिरी में ही बनते हैं विंग्स आखिरी में बनते हैं फोर विंग हो चाहे हाइंड विंग हो वो आखिरी में ही डेवलप होता है 65 परसेंट ने ऑलमोस्ट सही दिया विवेक सोना गणेश बहुत बढ़िया और अब आइए नीट ट्वेंटी का क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए करिए ट्राई। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमोफिज मेल और फीमेल जो अलग अलग हम पहचानते हैं वो कैसे पहचानते हैं सरकाय दोनों में होता है डार्क ब्राउन सरकाय दोनों में होता है स्क्लेराइड्स दोनों में होंगी स्टाइल केवल मेल मारेगा एनल स्टाइल ओनली इन मेल 69.3 परसेंट ने सही दिया है देवेश भावेश राजीव सक्षम एवरीबडी तो विद दिस मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों आज का सेशन कंप्लीट होता है एनसीआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में अब पूरी जोलॉजी कंप्लीट हो गई है मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स बस एक ही बात बोलूंगी मैं सिस्टमैटिकली पढ़ो प्लैंड वे में पढ़ो हर चीज हर जगह मत देखने लग जाओ और एक ही चीज को जहां से भी पढ़ रहे हो शोर से बार 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 रिवाइज करो ठीक है तो उम्मीद सीरीज में मिलते हैं थर्ड अप्रैल से कंपटीशन वाला पे ट्वेल्थ जुलॉजी पढ़ने के लिए बाय एवरीबजी गॉड ब्लेस यू टेक केयर थैंक यू